नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए फिर साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर लेके हूं चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेसेस बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर के बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे नोट्स बनाए जा सकते थे उन सब को हम सभी टीचरों ने जो हमारा टीम है पूरा जो बोर्ड का एग्जाम चेक करते हैं बहुत सारे टीचर इनमें उन सभी की मेहनत से ये नोट्स तैयार किया गया है इस नोट्स के अंदर आप देखोगे कि पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है और इस नोट्स में सब कुछ है आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड हो के स्टडी बेस्ड हो डायग्राम सब कुछ प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है क्योंकि बहुत सारे टीचरों की इसमें मेहनत है अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आप सब कुछ कवर कर लोगे ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो ये चाहते हैं कि एक ही वीडियो में उनका सब कुछ कवर हो जाए बार बार छत्तीस जगह उनको अलग अलग किताबें रिफ्रेशर ना पढ़ने की नीड हो तो हमने सब कुछ कवर कर दिया है पूरे चैप्टर को सिस्टमेटिक तौर पे फ्लो में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों ये बेहतरीन चैप्टर अपने फर्स्ट पॉइंट से पहला पॉइंट है हमारे पास व्हाट इज लाइफ प्रोसेस जो कि चैप्टर का नाम भी है लाइफ प्रोसेस तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस अच्छा नोट्स में एक बात का और ध्यान रखना आप कि पूरे नोट्स को मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है बोर्ड का जो तो पेपर चेक होता है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है उसके लैंग्वेज का ध्यान रखा गया है कि कौन से लैंग्वेज आपके मार्क्स नहीं कटेंगे तो आपके कोई भी एग्जाम हो यूटी हो टेस्ट हो पेपर हो बोर्ड का एग्जाम हो आप इस लैंग्वेज को लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स आएंगे जो मैंने आपको प्रीवियस कई वीडियो में दिखाया होगा अपना रिजल्ट जिसमें हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड कई बच्चों के आए हुए हैं फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस होता क्या है द बेसिक फंक्शन वो सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं टू तो मेंटेन देयर लाइफ अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अब आपको होगी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम

परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन दियर लाइफ अपनी लाइफ को मेनटेन करने के लिए आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस सेकेंड पॉइंट है द बेसिक लाइफ प्रोसेस इंक्लूड अब मैं जो आपसे कह रहा था कि लाइफ प्रोसेस के लिए कुछ बेसिक फंक्शन की बात कर रहा था तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है तो लाइफ प्रोसेस में बेसिकली चार फंक्शन आते हैं फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन थर्ड ट्रांसपोर्टेशन फोर्थ एक्सक्रिएशन ये चारों बेसिक फंक्शन है जो लाइफ को मेंटेन करते हैं इसलिए पूरे चैप्टर में हम इन्हीं चारों के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे एग्जाम के अंदर ताकि मार्क्स आपके बिल्कुल नहीं कटने चाहिए न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस न्यूट्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्मेक फूड एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है एंड यूटिलाइज इट और उस फूड को यूटिलाइज करता है टू गेट एनर्जी एनर्जी को गेन करने के लिए न्यूट्रीशन इज द प्रोसेस न्यूट्रीजन एक ऐसा प्रोसेस है बाई विच एन ऑर्गेनिज्मेक फूड जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है एंड यूटिलाइज इट और उस फूड को यूटिलाइज करता है टू गेट एनर्जी एनर्जी को गेन करने के लिए ग्रोथ पाने के लिए रिपेयर करने के लिए बॉडी को मेंटेनेंस के लिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए तो अगर हम फूड को खाते हैं और उस फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त हो हमें ग्रोथ मिले हमारी बॉडी को रिपेयर मिले मेंटेनेंस मिले तो इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन नाम दिया गया है न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम फूड को टेक करते हैं और उस फूड का यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए ग्रोथ के लिए रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए नाउ फोर्थ पॉइंट है व्हाट इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन और एयर रेस्पिरेशन के अंदर आता है ऑक्सीजन को इनटेक करना ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना इन टू द सेल और उसको सेल तक पहुंचाना यूजिंग इट फिर उस ऑक्सीजन का यूज करना फॉर रिलीजिंग एनर्जी एनर्जी को रिलीज करने के लिए बाय बर्निंग फूड फूड को बर्न करने के साथ मीन्स हमने ऑक्सीजन को जब इंटेक किया था ताकि हम फूड को बर्न कर सके ऑक्सीजन को इंटेक करना देखिए रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फर्क होता है ब्रीथिंग का मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन को इंटेक करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो डेट इज कॉल्ड ब्रीथिंग बट बच्चों रेस्पिरेशन एक ब्राउडर मीनिंग है रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को इनटेक करना फिर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना बर्निंग ऑफ फूड फूड को बर्न करने के लिए वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको पता होगा कि किसी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है तो ऐसे ही फूड को बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है तो जब हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं ताकि फूड को बर्न कर सके और उससे हमें एनर्जी गेन हो तो इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है क्लियर हो गया द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन को इनटेक करना सेल तक पहुंचाना उसका यूज करना फॉर रिलीजिंग एनर्जी एनर्जी को रिलीज करने के लिए बाय बर्निंग ऑफ फूड फूड को बर्न करने के द्वारा तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन नाम दिया गया ना नेक्स्ट है वॉट इज ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपसे कहा था ना पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स दूंगा देखिए किस प्रकार से नोट्स को बनाए गए हैं आप इसके तरीके को देखिए किस बेहतरीन तरीके से नोट्स को बनाया गया है कितने सिंपल लैंग्वेज आपको बना के दिया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन कर सकते हैं एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस जिसमें कोई सब्सटेंस मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस अब आपको हो गया ऐसा क्या मूव करता है तो जो भी आपने फूड को इनटेक किया था उस फूड को या फिर जो आपने ऑक्सीजन को इंटेक किया था उस ऑक्सीजन को बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है नाउ इसके अलावा आपको न्यूट्रिशन के अंदर सॉरी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये भी ऐड करना है अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा वॉटर एंड न्यूट्रिय रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबोलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी को वॉटर और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड होती है फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारे मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए शुड बी ट्रांसपोर्टेटेड तो वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए इन द बॉडी बॉडी में और प्लांट्स एंड एनिमल प्लांट्स की बात करो चाहे एनिमल्स की बात करो प्लांट भी और एनिमल भी इन सभी चीजों को यानी वॉटर को और न्यूट्रिय को ट्रांसपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके हर एक सेल को इसकी नीड होती है तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइन एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस वॉटर एंड न्यूट्रिय जो वॉटर न्यूट्रिय होता है वो रिक्वायर्ड होता है सभी मेटाबोलिक एक्टिविटीज के लिए और शुड बी ट्रांसपोर्टेटेड ये ट्रांसपोर्ट होना चाहिए इन द बॉडी बॉडी के अंदर प्लांट के और एनिमल्स के तो फर्स्ट पेज यहां पे कंप्लीट होता है जल्दी से फर्स्ट पेज रिवाइज कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है वो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उनको हम लाइव प्रोसेस कहते हैं लाइक like प्रोसेस में चार चीजें आती हैं न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रिएशन न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म टेक करता है फूड को फिर उसको यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए ग्रोथ के लिए रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए रेस्पिरेशन क्या होता है ये प्रोसेस का नाम है जिसमें इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन को इनटेक करना फिर उसको सेल तक ले जाना है और फिर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना है एनर्जी को रिलीज करने के लिए फूड को बर्न करने के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन को आप डिफाइन कर सकते हो एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इसमें मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस और मैंने बताया था आपको मूवमेंट में क्या क्या चीजें आती है तो so बेसिकली इसमें दो मेजर चीजें आती है एक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और एक न्यूट्रिय का ट्रांसपोर्टेशन जो रिक्वायर्ड होता है फॉर ऑल मेटाबोलिक एक्टिविटीज सारे मेटाबोलिक एक्टिविटीज के लिए शुड भी ट्रांसपोर्टेटेड इन सबको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इन द बॉडी बॉडी में चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो नाउ नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर सिक्स वॉट इज एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन क्या होता है वॉट इज एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन क्या होता है द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस और रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजियस वेस्ट जिसमें हम रिमूव करते हैं हार्मफुल नाइट्रोजियस वेस्ट को हार्मफुल नाइट्रोजियस वेस्ट क्या होता है यूरिन वगैरह हमारे हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल नाइट्रोजियस वेस्ट कलेक्ट होते हैं द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजियस वेस्ट जिसमें हम रिमूव करते हैं हार्मफुल नाइट्रोजियस वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी अपनी बॉडी से इस कॉल एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन नाम दिया गया है ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें रिमूव किया जाता है हार्मफुल नाइट्रोजियस वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी बॉडी से इसको बोला जाता है एक्सक्रिएशन ठीक है तो हमने चारों डेफिनेशन यहां तक जान ली हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जानी हमने न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन पढ़ा फिर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा और नाउ हो एक्सक्रिएशन पढ़ा तो जो चारों मेजर लाइफ प्रोसेस था उन सब की डेफिनेशन हमने जान ली अब वन बाय वन एक एक के बारे में डेफ्थ में जाने वाले हैं तो पॉइंट नंबर सेवन आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वॉट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं या कौन कौन से मैथड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑल द ऑर्गेनिज्म सभी ऑर्गेनिज्म को आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप सभी ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं दो ग्रुप में अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ऑर्गेनिज्म को बांटे खाने के तरीके पर अगर ऑर्गेनिज्म को बांटा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाए तो उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हो फर्स्ट ऑटोट्रोप एंड हैट्रोट्रॉप तो हम कह सकते हैं दे आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो होते हैं ऑटोट्रॉप एंड हैट्रोट्रॉप इसको ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक भी आप बोल सकते हो सो दे आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट इज ऑटोट्रॉप सेकेंड इज हैट्रोट्रॉप ना क्वेश्चन राइज होता है वॉट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है हम किसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो एज पर मार्किंग स्कीम आपको यह आंसर लिखना पड़ेगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है इन वे जिसमें द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है फूड को फूड को प्रोड्यूस करता है ध्यान रखना इस वर्ड पर प्रोड्यूस दियर फूड अपने फूड को खुद प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ही सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी हम किसकी बात कर रहे हैं जी हा हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपने फूड को फ्रॉम द इन ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ही सिंपल इन ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में क्या आता है तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में वाटर आता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल के पार्ट्स होते हैं तो इन सब के द्वारा वो फूड को प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट के प्रेजेंस में ऑल द ग्रीन प्लांट जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं हैव एन मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो सब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं तो बच्चों जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉप बोल सकते हो तो अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आता है तो ये डेफिनेशन देना है और ये आपको एग्जाम्पल देना है नाउ सेकंड आता है वॉट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कि भाई हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है ऑटोट्रॉपिक तो मैं हमें समझ में आ गया कि जो फूड को प्रोड्यूस करें उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा तो चलिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच जिसमें एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिपेंड होता है ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फॉर फूड फूड के लिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन वे जिसमें एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई डिपेंड होता है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड एग्जाम्पल क्या है तो एनिमल्स जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब के सब डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफिक पे यानी ग्रीन प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉफ होते हैं वो सब ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं तो ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो अपने फूड के लिए इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एनिमल्स जो आते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं प्लांट जो आते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आते हैं ठीक है ये पेज कंप्लीट हो गया एक बार जल्दी से मैं आपको इस पेज का रिविजन कराता हूं मैंने आपको बताया था वॉट इज एक्सक्रिएशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें रिमूव किया जाता है हार्मफुल नाइट्रोज वेस्ट को बॉडी से उसे एक्सक्रिएशन कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा जाता है ऑटोट्रोप्स ट्रोटॉप्स वट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रीशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेजम प्रोड्यूस करता है अपने फूड को फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रीशन क्या होता है तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए एग्जाम्पल इसका एनिमल्स तो यहां पर आपका ये पेज भी कंप्लीट हो गया नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं पॉइंट नंबर टेन है वॉट इज फोटो और ये बहुत ज्यादा यूटी वगैरह में एग्जाम वगैरह में बहुत ज्यादा आता है आपने देखा भी होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो मुझे नहीं पता कि आप आंसर क्या लिख के आए हो बट एज पर द मार्किंग स्कीम अगर आप कभी उठाओगे तो आपको यही चीज देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्योर एनसीईआरटी बुक जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में इससे लिया गया है और यहीं से आपका जो मार्किंग स्कीम होता है वो तैयार होता है तो लैंग्वेज का ध्यान रखना अगर ये लैंग्वेज लिखते हो तो कभी भी आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते वट इज फोटोसिंथेसिस क्या होता है फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय ग्रीन प्लांट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड अपना खुद का भोजन बनाए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके एंड वॉटर वॉटर का इस्तेमाल करके बाई यूजिंग सनलाइट सनलाइट का इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस अब आप ध्यान से देखो इसमें मैंने सारे की वर्ड इंक्लूड किया है फोटोसिंथेसिस के वे ग्रीन प्लांट कर सकते हैं इसमें वो अपना फूड खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है वाटर का यूज होता है सनलाइट का यूज होता है क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है तो टीचर नंबर काट ही नहीं सकता इसके अंदर क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड वही लिखा हुआ है जो फोटो सिंथेसिक आप देखो ये रिएक्शन तो आपके एनसीआरडी बुक में दिया हुआ है ना इसमें सब कुछ कवर हो रहा है तो ये डेफिनेशन आपको लिख के आना एग्जाम के अंदर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद तैयार करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करके यूजिंग सनलाइट

प्लांट तीन चीज बनाता है फर्स्ट ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मला है सिक्स मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनता है मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की नीड क्या क्या होती है मतलब किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो बच्चों किसी भी प्लांट के लिए तीन रॉ मेटीरियल की नीड पड़ती है के लिए फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो डेफिनेशन में आया था सेकेंड वॉटर एंड थर्ड मिनरल सॉल्ट जो उसे सोल्ट से मिल जाता है तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि फोटोसिंथेसिस के के रॉ नाम बताइए तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वाटर होगा और मिनरल होगा अगर आपसे पूछा जाए एंड प्रोडक्ट क्या है मतलब फोटोसिंथेसिस जो बना उसका एंड प्रोडक्ट क्या है मेन प्रोडक्ट क्या है तो मेन प्रोडक्ट स्टार्च है जिसका फॉर्मूला ये रहा जिसको ग्लूकोज भी बोला जा सकता है तो फोटो में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च होता है लेकिन फोटोसिंथेस में जो बाई प्रोडक्ट होता है उसे ऑक्सीजन का नाम दोगे ऑक्सीजन देखिए ये रहा केमिकल रिएक्शन में तो ये दिस द बाई प्रोडक्ट इसे बोलते हैं एंड प्रोडक्ट इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट और रॉ मेटीरियल आप इनको बोल सकते हो ठीक है तो रॉ मेटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है एंड प्रोडक्ट स्टार्च होता है बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है यह सब फोटो ही पार्ट है आगे बढ़ जाए क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टोमेटा स्टोमेटा क्या और अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो वहां भी आपको मिला होगा स्टोमेटा क्या होता है स्टोमेटा किसे बोलते हैं व्हाट इज स्टोमेटा स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ये बहुत टिनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स जो लीव्स के सरफेस पर मौजूद होते हैं तो वो टिनी पोर्स वो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव जो कि लीव्स के सरफेस पे मौजूद होते हैं दे आर कॉल स्टोमेटा उनको स्टोमेटा कहते हैं अच्छा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या करता है स्टोमेटा तो बच्चों तो इसके दो फंक्शन होते हैं आपसे शॉर्ट में याद कर लो दे आर टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा को बेसिकली दो फंक्शन नीड होती है स्टोमेटा के लिए दो फंक्शन चाहिए एक फोटोसिंथेसिस और एक ट्रांसपीरेशन हम पीटी बोलते हैं पीटी फोटोसिंथेसिस के लिए पड़ती है और दूसरा अब फोटोसिंथेसिस कैसे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप भूल गए रिएक्शन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड थी ना और ऑक्सीजन उसने रिलीज भी किया था तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है ना तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा ट्रांसपीरेशन जो मैं आपको समझाऊंगा दे आर टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा के दो फंक्शन है स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसों को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्व करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो स्टोमेटा का पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस को एक्सचेंज करना यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्व करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना जो कि स्टोमेटा से ही होता है लॉस ऑफ वाटर जिसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन ये लॉस ऑफ वाटर क्या होता है कभी कभार प्लांट के पास ना ज्यादा वाटर इकट्ठा हो जाता है तो प्लांट उस वाटर को क्या करता है इवेबरेट कर देता है एनवायरमेंट में क्लाइमेट में छोड़ देता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर यानी प्लांट अपने वाटर को लॉस कर देता है उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा यह भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है तो अगर आप लीव्स को कभी ध्यान से देखोगे अगर आप लीव्स को कभी ध्यान से आप ऑब्जर्व करना किसी लीव्स को आप उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे ये जो पोर्स होते हैं ना स्टोमेटा कहते हैं और इस स्टोमेटा के दो फंक्शन है फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करना और सेकेंड ट्रांसपीरेशन ये पेज कंप्लीट होता है जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस क्या होता है फोटोसिंथेसिस तो जब ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इसमें सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ट्वेल्व मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा ग्लूकोज बनेगा सिक्स मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनेगा सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वॉर बने मेटीरियल कौन कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कम से कम दो तो आप याद कर सकते हो एंड प्रोडक्ट होता है स्टार्स बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन स्टोमेटा क्या होता है जो टाइनी पोर्स होता है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स जो लीव्स के सरफेस पे मौजूद होता है उनको स्टोमेटा कहते हैं स्टोमेटा के बच्चों दो फंक्शन होते स्टोमेटा फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस को एक्सचेंज करना कार्बन डाइऑक्साइड एबजॉर्व करना ऑक्सीजन को रिलीज करना सेकंड अगर लॉस ऑफ वाटर करना अगर ज्यादा पानी आ गया तो उसको evaporate कर देना तो ये स्टोमेटा के फंक्शन होते हैं आगे बढ़ जाए नाउ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है गार्ड सेल शायद आपने नाइन्थ क्लास में यह भी देखा होगा अच्छे से गार्ड सेल फंक्शन ऑफ गार्ड सेल गार्ड सेल क्या करता है वैसे तो गार्ड सेल होता है उसका मेन फंक्शन होता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं गार्ड सेल नाम ये गार्ड करना ये गार्ड करेगा सुरक्षा करेगा किसकी सुरक्षा करेगा तो स्टोमेटा का तो देखिए इसका फंक्शन क्या है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा यानी स्टोमेटा का ओपन होना एंड क्लोज होना इज अ तो फंक्शन ऑफ गार्ड सेल ये गार्ड सेल का फंक्शन होता है कि कब स्टोमेटा ओपन होगा और कब वो क्लोज होगा द गार्ड सेल स्वेल गार्ड सेल जो होता है ना स्वेल हो जाता है फूल जाता है वेन वॉटर फ्लो इन टू दैम जब उसके अंदर पानी आ जाता है कॉजिंग द स्टोमेटा पोर्स टू ओपन जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है मैं आपको सिंपल में समझाता हूं देखिए आप ऐसा समझिए ये लीव्स है ठीक है लीव्स के अंदर ये है गार्ड सेल और अंदर है स्टोमेटा ठीक है अब होता क्या है दिए के समय में दिन के समय में ट्रांसपीरेशन के कारण इसके अंदर पानी भर जाता है सके अंदर तो गार्ड सेल के अंदर इसमें पानी भर गया तो जैसे ही इसके अंदर पानी भर जाता है ना ये स्वेल हो जाता है फूल जाता है ध्यान से देखिए गार्ड सेल स्वेल हो जाता है फूल जाता है वाटर जब जब पानी उसके अंदर आ जाता है कॉजिंग द स्टोमेटा टू ओपन इस ये फूल जाएगा ना तो इस स्टोमेटा को ओपन कर देगा और उसका उल्टा क्या होगा कि पोर्स क्लोज हो जाएगा इफ द गार्ड सेल श्रिंक गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा जब रात हो जाएगी ना जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सारा का सारा पानी वापस हो जाएगा सारा पानी इसमें से निकल जाएगा गार्ड सेल में से सारा पानी निकल गया तो जब गार्ड सेल में से सारा पानी निकल गया तो श्रिंक हो जाता है सिकुड़ जाता है जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है ठीक है तो अगर आपके एग्जाम में बच्चों आता है एग्जाम में कि फंक्शन बताओ गार्ड सेल का तो उसका मेन फंक्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल स्वेल हो जाता है फूल जाता है जब इसमें पानी आता है जिसकी वजह से स्टोमेटा खुल जाता है और यही गार्ड सेल जो पोर्स होता है उनको बंद कर देता है जब इन गार्ड सेल को श्रिंक हो जाता है जब, इसमें से पानी निकल जाता है आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन याद है मैंने आपको बताया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो बताए थे ऑटोट्रॉपिकोट्रॉपिक तो ऑटोट्रॉपिक यहां पर खत्म होता है यहां आपका स्टार्ट होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन

ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म करता है प्राप्त करता है न्यूट्रिशन को फ्रॉम द डेड एंड ऑर्गेनिक जब किसी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्राप्त हो डेड एंड डिकेंग ऑर्गेनिक मैटर से मरे हुए और सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से जब किसी ऑर्गेनिज्म को फूड प्राप्त होता है न्यूट्रिशन मिलता है तो डेट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन सेप्रो मीन रोटेन सेप्रो का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से एग्जाम्पल फंगी एंड बैक्टीरिया जो फंगी एंड बैक्टीरिया है वो सेप्रो न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं क्योंकि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड को ऑप्टेन करते हैं सेकेंड

और खाया किसी और ने एक तरह से फूड को चोरी करना फूड को ले लेना किसी के फूड को चुरा लेना आप सिंपल भाषा में समझिए द टर्म पैरा मीन अदर पैरा का मतलब अदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन रेफर टू द मोड ऑफ ऑप्टेनिंग फूड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें फूड ऑप्टेन होता है सिंथेसाइज बाय अदर जो किसी और ने सिंथेसाइज किया था प्रिपेयर किया था एग्जाम्पल कस्कटा जो कस्कटा प्लांट होता है एंड प्लाज्मोडियम एंड एन राउंड बॉम एनिमल में प्लांट में कसकटा और प्लाज्मोडियम ले सकते हो और एनिमल में राउंड ले सकते हो सॉरी प्लांट में ले सकते हो और एनिमल में प्लाज्मोडियम और राउंड ले सकते हो मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं आपको पता होगा अमरबेल का पौधा आप अपने घर में डिस्कस करना अमरबेल बोलते हैं उसको हिंदी में तो वो किसी और प्लांट के ऊपर ना उसकी लताएं जो होती है वो लटक जाती है तो उस प्लांट का वो फूड को ले लेता है तो इसे बोलते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन प्लाज्मोडियम मच्छर का एग्जाम्पल ले लो जो मच्छर होते हैं वो खून चूसते हैं दूसरों का तो दूसरों से फूड ऑप्टेन कर रहे हैं तो दैट तो इज द पैरासाइट न्यूट्रिशन जो राउंड वॉर्म होता है बचपन में बच्चों के आप पता करना पेट में कीड़े हो जाते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो जो राउंड वॉर्म है जो स्टमक में हो गया था वो भी एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है क्योंकि वो आपका फूड जो सिंथेसाइज हो रहा है उसको खा रहा है ठीक है तो पैरा मींस होता है अदर पैरासाइड न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड न्यूट्रिशन है जिसमें फूड ऑप्टेन होता है जो किसी एक है, और ने सिंथेसाइज किया एग्जाम्पल है कसकटा प्लाजमोडियम और राउंड वॉर्म यह पीज कम्प्लीट होता है जल्दी से उसको रिवाइज करा देते हैं ठीक है सबसे पहले मैंने आपको गार्ड सेल का फंक्शन बताया गार्ड सेल करता क्या है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा को खोलना और बंद करना गार्ड सेल का काम है जब गार्ड सेल में वॉटर भर जाता है तो ये स्वेल हो जाता है फूल जाता है जिसकी वजह से स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाता है उल्टा कर देंगे जब गार्ड सेल में से पानी निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाता है ये श्रिंक हो जाता है जिसकी वजह से क्लोज हो जाता है न्यूट्रिशन तीन होते हैं पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक होलोजोइक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या बताया न्यूट्रिशन क्या बताया सेप्रोमींस होता है रोटेन uh, ये ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑप्टेन करता है न्यूट्रिशन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से जैसे फंगी और बैक्टीरिया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है पैरामींस होता है अदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें फूड किसी और ने सिंथेसाइज किया था खाया किसी और ने जैसे और ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है ठीक है बच्चों नाउ अगला आता है नेक्स्ट हमारा आता है वॉट इज होलोजॉक न्यूट्रिशन इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और फीडिंग यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम फीड करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम फीड करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को बाय इंजेशन इंजेशन द्वारा विच इज सब्सटेंटली डाइजेस्टेड जो बाद में डाइजेस्ट होता है यानी पहले इजेशन होता है उसके बाद डाइजेस्टेड होता है और उसके बाद उसे बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम फीड करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को हमारी बॉडी उसे इंजेशन इन, करती है उसके बाद उसका डाइजेशन करती है और फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो जिसके अंदर ये स्टेप फॉलो हो जिसमें हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इंजेशन करें फिर उसका डाइजेशन हो फिर उसका एब्जॉर्बेशन हो अगर ये प्रोसेस कोई ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है तो उसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे अमीबा फ्रॉग ह्यूमन बीइंग तो हम सब बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन के पार्ट है क्योंकि हम फूड को पहले निगलते हैं खाते हैं बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो उसे बोलते हैं इंजेशन उसके बाद हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है फिर हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है तो जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को फॉलो करेगा उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वॉट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के स्टेप बताइए तो पांच स्टेप आपको बताने हैं पहला इंजेशन सेकेंड डाइजेशन थर्ड एब्जॉर्प्शन फोर्थ एसिमिलेशन फिफ्थ इजेशन दे आर फाइव स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते हैं ना ये ह्यूमन बींग की बात हो रही है ये होलोजोइ न्यूट्रीशन की बात हो रही है तो इसके अंदर पांच स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन इजेशन अमीबा में देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है आपके बुक में डायग्राम भी है तो यहां पे आपको छह डायग्राम हालांकि बुक में देखिए चार बने हुए शायद एनसीईआरटी में चार या पांच बने हुए हैं बट आपको एग्जाम में छह स्टेप बना के देना है क्योंकि मार्किंग ये एज इट इज मार्किंग स्कीम से लिया गया है आप बिलीव कीजिए तो बिल्कुल ये लिखना आपको आंसर इस तरीके से आपको लिखना है पहले आपको बताना है फूड ये फूड है ये फूड आपको दिखाई दे रहा होगा और यह अमीबा है पहला स्टेप क्या करा इंजेशन इंजेशन किसके द्वारा तो सूडोपोडिया के द्वारा दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया ये होता है सूडोपोडिया जिसके द्वारा फूड को वो घेरते हैं चारों तरफ ये फूड पार्टिकल है और ये उसे बोलते हैं सूडोपोडिया जिसके द्वारा फूड को वो कवर करते हैं तो पहला स्टेप होता है इंजेशन जिसमें हम वो प्रोसीजर करते हैं फूड को बॉडी के अंदर ले जाने के लिए फिर डाइजेशन अब फूड अंदर आ गया अब इसको डाइजेस्ट करोगे उसके बाद आता है इजेशन इजेशन का मतलब उस फूड को हम ब्रेक डाउन करेंगे उसको तोड़ेंगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर एसिमिलेशन हमारी बॉडी उससे एनर्जी गेन करेगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी एनर्जी गेन करेगी और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम बॉडी से रिमूव कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन तो इस प्रकार से आपको ये स्टेप आपको एग्जाम में जो बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है न्यूट्रिशन इन अमीबा तो पहले आपको ये बिल्कुल सिंपल तरीके से ये डायग्राम बनाना है पहले में इंजेशन फिर डाइजेशन फिर इजेशन फिर एसिमिलेशन और फिर एब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया इस प्रकार से आपको उसे रिप्रेजेंट करना है और मुझे ये स्टेप मैं आपको तरीके से बताता हूं एक मिनट अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे चलोगे इंजेक्शन 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 अगर आप इसके अकॉर्डिंग डाइजेशन डाइजेशन तो ये ये उसके बाद ये थर्ड आएगा ये थर्ड आएगा ठीक है तो मैं ऐसे चला गया था बट आपको इस प्रकार से जाना है पहला इंजेक्शन पहला स्टेप दूसरा डाइजेशन तीसरा स्टेप ये होगा एबजॉपन चौथा स्टेप उसके बाद ये फोर्थ स्टेप है Assimilation, और फिफ्थ स्टेप है इजेशन जिसमें हम बॉडी से बाहर निकालते हैं ठीक है ठीके? अब ठीक है बच्चो ऐसे चलना ठीक है ठीके? ये डायग्राम है ये एरो नहीं बना हुआ था मैंने बना दिया अब बना देना ठीक है बच्चो पहला इजेशन फूड को घेरना फिर डाइजेशन फूड को डाइजेस्ट करना फिर एब्जॉर्प्शन उस फूड को जो डाइजेस्ट हुआ उसको बॉडी एब्जॉर्ब करेगी एसिमुलेशन उससे एनर्जी गेन करेगी और इजेशन थ्रू बैक कर देगी बाहर निकाल देगी जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो इस प्रकार से आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा तैयार करना है अब आगे आता है अगर यही चीज वन मार्क्स में आए तो डायग्राम बना के टू मार्क्स में डायग्राम बना के छोड़ सकते हो लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये तीन से चार या पांच नंबर में आ जाए तो आपको स्टेप लिखना पड़ेगा अमीबा में स्टेप्स इन ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा जो मैंने आपको स्टेप पांच बताया ना स्टेप वही वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा पहला इंजेशन अमीबा इंजेस्ट फूड अमीबा इंजेस्ट करता है फूड को विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक एंट्रेस्टोम अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया तो अमीबा इंजेस्ट करता है फूड को अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द्वारा जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया जो आपने डायग्राम में देखा भी था दिस इज इसको बच्चों सूडोपोडिया कहते हैं ये जो दिख रहा है ना इसे सूडोपोडिया तो सूडोपोडिया द्वारा फूड को घेरता है उसके बाद डाइजेशन एंजाइम्स ब्रेक दाम एंजाइम जो होता है अमीबा के अंदर वो ब्रेक करते हैं फूड को इनटू सिंपल सोल्यूबल मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो अमीबा के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन द सिंपल सोल्यूबल फूड ये जो फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है इट एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से एब्जॉर्व कर लेगा अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो उसे एब्जॉर्व कर लेगा फ्रॉम फूड वैक्यूल फूड वैक्यूल द्वारा उसे एब्जॉर्व कर लिया जाएगा नाउ एसिमिलेशन अब उससे आप आ, एनर्जी भी तो गेन करोगे रेस्पिरेशन वगैरह भी करोगे अमीबा सेल ऑप्टेन एनर्जी अब उसे एनर्जी मिलेगी फ्रॉम द एब्सॉर्ब फूड उस एब्जॉर्ब फूड से उसको एनर्जी मिलेगी थ्रू रेस्पिरेशन जब वो रेस्पिरेशन करेगा तो, तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन एनर्जी को गेन करना और इजेशन मैंने आपको बताया था जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे तो थ्रोज आउट द अनडाइजेस्टेड फूड अनडेस्टेड फूड को हम बाहर निकाल देंगे तो अगर बच्चों आपसे पूछा जाए एग्जाम में अंदर कि भाई न्यूट्रिशन इन अमीवा बताओ अगर ये वन मार्क्स में आता है तो आप डायग्राम बना के इन आप छोड़ दोगे आप टू मार्क्स के लिए भी डायग्राम ठीक है इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है बट अगर ये टू से ज्यादा मार्क्स में आता है फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंजेशन का मतलब होता है फूड को इनगल्फ करना सूडोपोडिया के द्वारा डाइजेशन का मतलब होता है एंजाइम द्वारा ब्रेक डाउन करना उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना एब्जॉर्बन का मतलब होता है उस सिंपल सोलबल फूड को बॉडी द्वारा एब्जॉर्व करना एसिमुलेशन का मतलब होता है उस एब्जॉर्व फूड से एनर्जी गेन करना और इजेशन का मतलब होता है अनडेस्टेड फूड को थ्रोज आउट करना बॉडी से बाहर निकाल देना अगर यही क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है आपके एनसीआरटी बुक में आप जाके देखना यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो ही एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है अमीबा और पैरामीशियम का तो न्यूट्रिशन इन पैरामिशियम देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत बच्चे याद करते हैं लेकिन न्यूट्रिशन इन पैरामिशियम बहुत कम बच्चे याद करते हैं और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है द द सीलिया इज प्रेजेंट अराउंड माउथ रीजन ऑफ पैरामिशियम पैरामिशियम की पूरी बॉडी में सीलिया पाया जाता है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको मूव करने में हेल्प करता है माउथ रीजन ऑफ पैरामिशियम सीलिया जो कि प्रेजेंट होता है पैरामिशियम के माउथ के आसपास मूव करता है बैक एंड फोर्थ आगे पीछे सीलिया जो है मूव करता है आगे पीछे जो पैरामिशियम में प्रेजेंट होता है दे स्वीप द फूड पैरासाइटली प्रेजेंट इन वाटर इसके द्वारा वो फूड को स्वीप कर लेता है फूड को ले लेते हैं जो कि वॉटर में प्रेजेंट था इन टू द माउथ माउथ में फूड को ले लेते हैं और पैरामेशियम देखिए सीलिया प्रेजेंट होता है माउथ के आसपास पैरामीशियम के जो कि मूव करता है आगे पीछे जिसकी वजह से वो फूड को स्विप कर लेते हैं एकदम से अंदर ले लेते हैं और वो फूड उसके बॉडी में फूड जो होता है उसके माउथ के अंदर चला जाता है वाटर के अंदर जो फूड था वो पैरामीशियम के अंदर चला गया उसके माउथ में पैरामीशियम के मुंह के अंदर वो फूड चला गया यानी सीलिया मदद कर रहा है फूड को इनगल्फ करने में दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम ये पहला स्टेप होता है विच इज कॉल्ड

फूड आपके बॉडी के अंदर गया फिर डाइजेशन हुआ फिर एब्जॉर्शन हुआ एसिमुलेशन हुआ और इजेशन हुआ ये हमारी बॉडी में भी हो रहा है तो यही तो आप बस पहला स्टेप आपका अलग होगा सीलिया पाया जाता है ना इसके माउथ के आसपास पैरामीशियम के माउथ के आसपास पाया जाता है सीलिया सीलिया होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है अगर आप कभी आपने पैरामीशियम का डायग्राम बनाया हो कभी आपने पैरामीशियम का बॉडी का डायग्राम बनाया हो तो उसके बॉडी में ना ऐसा सीलिया होता है ये हेयर लाइक -like होता है ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है ये सीरिया बोलते हैं उसको ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है जिसकी वजह से ये जब सीरिया जो है वो मूव करेगा बैक एंड फोर्थ तो फूड जो है वो वाटर में मौजूद है वो स्विप करके उसके माउथ में चला जाएगा ये पहला स्टेप हो गया दिस इज द फर्स्ट स्टेप ये पहला स्टेप है हम सबको पता है ये इसको हम इंजेशन के नाम जानते हैं उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद डाइजेशन होगा एब्जॉर्बन होगा एसिमुलेशन होगा इंजेशन होगा यही चारों स्टेप ऊपर वाला आप लिख सकते हो पहला स्टेप आपने पढ़ लिया उसके बाद चारों स्टेप आप यही लिख दो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमुलेशन इजेशन जी आप सेम सेम स्टेप अमीबा के लिए लिख सकते हो आप सेम स्टेप ये पैरामीशियम के लिख सकते हो ठीक है क्लियर हो गया मैं जो कहना चाहता हूं तो ये पेज कंप्लीट होता है जल्दी समझ लेते हैं अमीबा के न्यूट्रिशन में कौन कौन सा स्टेप होता है इंजेशन फूड को वो इनगल्फ करता है सूडोपोडिया के द्वारा डाइजेशन एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल फॉर्म में एंजाइम ब्रेक डाउन करता है सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्प्शन उस सिंपल फॉर्म को बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है एसिमिलेशन उससे एनर्जी गेन करती है और अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रोज आउट कर देती है बाहर निकाल देती है पैरामिशियम में कैसा होता है न्यूट्रिशन इनकी बॉडी में सीलिया पाया जाता है माउथ के बिल्कुल चारों तरफ जो बैक एंड फोर्थ मूव करता है जिसकी वजह से पानी में मौजूद फूड पार्टिकल स्विप होकर उसके मुंह के अंदर चला जाता है पैरामीशियम के अंदर पहुंच जाता है यह पहला स्टेप होता है न्यूट्रिशन का जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं उसके बाद डाइजेशन होता है एब्जॉर्ब होता है एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है हो गया जो हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं तो यही चारो स्टेप आप पेरामिशन के लिए भी यूज कर सकते हो ठीक है बच्चों आगे बढ़ जाए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कि ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है तो डायग्राम पढ़ के जाना क्योंकि लेबलिंग बहुत ज्यादा आती है तो पहले मैं आपको लेबलिंग समझा देता हूं ठीक है पहले लेफ्ट हैंड साइड की लेबलिंग देख लो माउथ टीथ उसके बाद ये वाला पार्ट लीवर लेवलिंग लेवलिंग uh, labeling. Labeling जरूर करके जाना बहुत ज्यादा एग्जाम आता है ये डायग्राम आपको बना के इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लेबलिंग समझ पाओ फिर हम न्यूट्रिशन बाद में पढ़ेंगे के करके ठीक है राइट हैंड साइड में यहां पे आ जाएगा आप स्लैबरिंग लैंड उसके बाद फारनेक्स उसके बाद ये ईसोफेगा जिसको फूड पाइप कहते हैं इसको स्टमक ये पूरा पार्ट स्टमक का है उसके बाद ये लार्ज इंटस्टाइन ये वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का है इसको बोलते हैं रेक्टम और लास्ट एनएस तो ये लेबलिंग जरूर कर लेना ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिया है बट ये सिंपल फॉर्म में आपको बना के दिया है तो लेबलिंग जरूर पढ़ लेना बनाने की प्रैक्टिस भी कर लेना क्योंकि कोई भरोसा नहीं कहीं बार बनाने के लिए आ जाता है तो बनाने की प्रैक्टिस कर लेना और लेबलिंग कर लेना ठीक है अब वन बाय वन करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लैंड ह्यूमन बीइंग के बॉडी में पाया जाता है ग्लैंड अभी आपने देखा भी ये देखो ये रहा सबसे पहले ग्लैंड तो स्लैबरी ग्लैंड के अंदर पढ़ते हैं क्या क्या याद करके जाना चाहिए बच्चे को स्लाइबरी ग्लैंड सेक्रेट कॉल सेक्रेशन उसको बोलते हैं ग्लैंड जो जो होता है वो है वो सेक्रेट करता उसको जो, जिस चीज को सेक्रेट करता है निकालता है उसको बोलते हैं स्लाइवा और स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा एग्जाम में पेपर में आता है स्लाइबरी ग्लैंड सेक्रेट कैली सेक्रेशन स्लाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है आप चाहो तो इसको हटा सकते हो अगर आपको याद ना हो तो उसको हटा सकते हो इतना ही याद कर सकते हो स्लाइबरी ग्लैंड सेक्रेट कॉल्ड स्लाइवा या सिर्फ स्लाइवा स्लाइबरी ग्लैंड सेक्रेट करता है निकालता है स्लाइवा को इन द माउथ कैविटी ठीक है एक काम करो इसको हटाई दो क्योंकि याद करने में आपको दिक्कत करेगा ये सिंपल रखो नंबर पूरे तब मिलता है स्लाइबरी ग्लैंड सेक्रेट करता है स्लाइवा को हमारे माउथ कैविटी में अब अच्छा स्लाइवा क्या करता है कोई तो फंक्शन होगा तो फंक्शन ऑफ स्लाइवा एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ह्यूमन स्लाइवा कंटेन एन एंजाइम हमारे के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन याद रखोगे टाइलिन आपको याद रहेगा बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है देखिए हमारे के अंदर एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं टाइलिन टाइलिन कन्वर्ट स्टार्च इन माल्टोज टाइलिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में माल्टोज को सुगर भी बोलते हैं नेचुरल सुगर यानी आपने ब्रेड खाया ब्रेड के अंदर स्टार्च था वो ब्रेड आपको धीरे धीरे मीठा लगने लगेगा वो माल्टोज की वजह से शुगर की वजह से तो स्लाइवा के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको टाइलिन कहते हैं टाइलिन स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में शुगर में कन्वर्ट कर देता है जल्दी से रिवाइज करा दो ये पेज कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग लेफ्ट हैंड साइड पे माउथ टीथ लिवर पेनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन राइट हैंड साइड पे स्लब्री ग्लैंड फारनेक्स इसोफेगस स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम और एनस लेवलिंग और डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप ठीक है आगे बढ़ जाए नाउ उसके बाद मैंने आपको ग्लैंड के बारे में बताया स्लाइब्री ग्लैंड सेक्रेट करता है स्लाइवा जो कि हमारे माउथ कैविटी में पाया जाता है स्लाइवा का फंक्शन क्या होता है तो स्लाइवा के अंदर किस एंजाइम होता है उसको टाइलिन बोलते हैं टाइलिन एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को माल्टोज में शुगर में कन्वर्ट कर देता है तो यही एज इट इज लिख के आना ठीक है नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है ईसोफेगस जो मैंने आपको फूड पाइप बताया था अभी देखिए डायग्राम में आपको बार बार दिखाऊंगा ये रहा फूड पाइप ताकि आपको डायग्राम भी याद होता जाए ये जो पूरा पार्ट है इसको फूड पाइप कहते हैं ये पूरा पार्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फूड पाइप है आपका जो फूड को स्टमक तक पहुंचाएगा तो फूड पाइप है इसको ईसोफेगस बोलते हैं तो पहले पढ़ देते हैं ईसोफेगस के बारे में ईसोफेगस ठीक है फूड पाइप कैरिस ये कैरी करता है फूड को टू स्टमक फ्रॉम माउथ अभी मैंने आपको बता दिया ये करता है क्या है तो फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम है इसका देखिए ना फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम है ईसोफेगस का ईसोफेगस का एक ही काम है ये फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता का है ठीक है ये इसका फंक्शन हो गया नाउ अब ऐसा नहीं है कि ये कोई पाइप है पानी का पाइप जो तो डायरेक्ट फूड को ले जाएगा इसमें आपको याद रखना पड़ेगा एक मूवमेंट मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है द कॉन्ट्रास्टन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स अब जब हम खाना खाते हैं ना तो बार बार ये जो फूड पाइप है ये कॉन्ट्रास्ट होता है और रिलैक्स होता है एक्सपेंड होता है कॉन्ट्रास्ट एक्सपेंड यानी रिलैक्स तो बार बार कॉन्ट्रेक्शन के कारण और रिलैक्सेशन के कारण मसल्स डूरिंग द पेरिस्टेटिक मूवमेंट इसको पेरिस्टेटिक मूवमेंट बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट हेल्प इन द दा ब्रिंगिंग डाउन द दा फूड जो हेल्प करता है फूड को नीचे ले जाने में इन टू द स्टमक स्टमक में पहुंचाने में देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं गलती हम लोग ये तो याद कर लेते हैं कि सर जी फूड पाइप का काम होता है कि ये माउथ से स्टमक तक फूड को ले जाएगा लेकिन सर कैसे ले जाएगा कैसे कैरी करेगा ऐसे थोड़ी फूड पानी का पाइप को ले जाएगा तो बार बार कॉन्ट्रास्ट होता है सिकुड़ता है अनिलैक्स होता है एक्सपेंड होता है इसको बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो बार बार कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सपेंड हो रहा है ना फूड पाइप इसको बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट ये हेल्प करता है फूड को नीचे ले जाने में स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है तो ये आपको याद करना है ईसो के बारे में फूड पाइप के बारे में ना अगला आता है स्टमक अब फूड किसके पास पहुंच गया स्टमक के पास पहुंच गया अब स्टमक के बहुत सारे फंक्शन है सर इन वॉल ऑफ स्टमक स्टमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक के वॉल में यानी स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है आर प्रेजेंट जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड सर ये ग्लैंड क्या होता है तो चैप्टर सेवन में भी जानेंगे अभी थोड़ा सा आपको डिटेल हल्का सा बता देता हूं ग्लैंड जो होते हैं बच्चों आप ऐसा समझिए कि ये या तो ये हार्मोन रिलीज करता है अब ये मैं पूछ ना हार्मोन क्या है चैप्टर सेवन में पढ़ेंगे या फिर ये एंजाइम्स रिलीज करता है एंजाइम्स ठीक है तो हम इसके बारे में द, बाद में जानेंगे अभी आप ये याद कर लो कि स्टमक के अंदर स्पेशल ग्लैंड होता है जो कि सेक्रेट करता है निकालता है गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में और फैट के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है má, لا, yeah. गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है ये गैस्ट्रिक जूस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को डाइजेस्ट करता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये जो गैस्ट्रिक जूस है कंटेन थ्री सब्सटेंसेस इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें पाए जाते देखिए हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है आप सब पूछ लेंगे ना कि गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है तो गैस्ट्रिक जूस में थ्री सब्सटेंस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एससील एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन और एक म्यूकस तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन सब्सटेंस पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पेप्सिन नाम का एंजाइम और म्यूकस अब आपको एससीएल क्या करता है पेप्सिन क्या करता है म्यूकस क्या करता है तो है ना तीनों पॉइंट समझाने के लिए मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं मैं आप कहता हूं ना तभी तो प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो सब कुछ आपका कवर करके दूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्रिएट एन एसिडिक मीडियम वो फूड को एसिडिक बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाता है सर फूड को एसिडिक क्यों बनाता है ताकि फूड को बर्न किया जा सके आपको पता है ना एसिड चीजों को बर्न करता है तो फूड को बर्न करने के लिए उसे एसिडिक बनाया जाता है इन एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन। अब जब वो एसिडिक मीडियम बन जाता है तो एंजाइम जो पेप्सिन था, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है प्रेजेंट इन फूड फूड में जो मौजूद है टू प्रिपेयर टू पेप्टोन। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है वो पेप्टोन में जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लियर हो गया एसिडिक मीडियम बनने के बाद जो पेप्सिन नाम का एंजाइम था वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है प्रोटीन को और उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में सर जी आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बता दिया एसिडिक मीडियम बनाता है आपने पेप्सिन बता दिया कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन बनाता है सर म्यूकस क्या करता है तीसरा तो रह गया तो म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक जो म्यूकस होता है वो हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक स्टमक को प्रोटेक्ट करता है किससे प्रोटेक्ट करता है तो एसिड से प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्टिंग ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड से प्रोटेक्ट करता है बना बार बार खाने के बाद एसिडिटी हो जाएगा देखिए आप ऐसा समझिए कि हमारा ना स्टमक है तो म्यूकस क्या करता है ये लेयर बना देता है स्टमक के चारों ओर ऐसे करके एक पतला सा लेयर बना देता है स्टमक के चारों ओर सिंपल समझाने के लिए समझिए म्यूकस स्टमक के चारों ओर एक लेयर बना देता है ताकि जब भी हम एस फूड खाए और एसिड ये एसिड वाला फूड है एससीएल है इसके अंदर एसिडिक फूड है तो ये फूड को ये जो आपका स्टमक है इसको बर्न कर सकता है तो म्यूकस क्या करता है प्रोटेक्ट करता है म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमें ताकि हमारे जो स्टमक है वो बर्न ना हो एससीएल से क्लियर हो गया स्टमक के बारे में एक-एक चीज मैंने आपको समझा दी ये पीस कंप्लीट हो गया जल्दी से रिवाइज करा दो इसोफेगस क्या करता है इसोफेगस सर ये फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है कैसे पहुंचाता है ये बार बार कॉन्ट्रास्ट होता है रिलैक्स होता है जिसके अंदर जिसके कारण उसके अंदर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है और पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के कारण फूड जो होता है वो नीचे आता है स्टमक तक स्टमक इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें पाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन नाम का एंजाइम और म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है तो ये एसिडिक मीडियम बनाता है फूड को पेप्सिन क्या करता है तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है और म्यूकस क्या करता है तो ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक स्टमक को प्रोटेक्ट करता है किससे प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा नाउ अगला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन अब फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंच गया देखिए स्टेप समझिए आप स्टेप को जानिए मैंने सबसे पहले देखिए आपको क्या बताया ग्लैंड माउथ के अंदर ठीक है उसके बाद फूड चला गया फूड पाइप में फूड पहुंच गया स्टमक में अब फूड आपका आ गया जिसको हिंदी में छोटी आंत भी बोलते हैं तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन हार्वी वस ईटिंग ग्रास जो हार्वी वस एनिमल होते हैं जो केवल ग्रास खाते हैं हैव लॉन्ग स्मॉल हैव ए लॉन्ग स्मॉल इंटस्टाइन इनके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है बच्चों जो हार्वी वर्ड्स होते हैं ना जो केवल ग्रास खाते हैं जैसे गाय का एग्जाम्पल ले लो काउ का एग्जाम्पल ले लो उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं बड़े होते हैं अब क्वेश्चन पूछेंगे वाई क्यों ऐसा होता है ऐसा रीजन क्या है हार्बी बोर्ड एनिमल के जो स्मॉल इंटस्टाइन होते हैं वो लंबे होते हैं क्यों बिकॉज सेलुलोज टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है प्लांट में पाया जाता है सेलुलोज हार्बी बोरस के जो स्मॉल इंटस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाई क्यों तो आंसर दोगे बिकॉज सेलुलोज टेक टाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज को डायजेस्ट होने में टाइम लगता है इसलिए हार्वीबोरस के जो स्मॉल इंटस्टाइन होती है वो लंबी होती है जबकि कार्निवरस जैसे कि टाइगर उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होंगे वो शॉर्टर होंगे क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना एक कार्निवरस के लिए बहुत ईजी है एक कार्निवरस एनिमल के लिए मीट को डाइजेस्ट करना बहुत आसान है इसलिए उनके स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंप्लीट डाइजेशन पे होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेशन को रिसीव करता है दो बड़े ग्लैंड से एक का नाम है लिवर और एक का नाम है पेनक्रियाज यानी हम सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ना दो लोग मदद करते हैं दो ग्लैंड मदद करते हैं एक लीवर और एक आपका पेनक्रियाज एलपी लीवर और पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेशन रिसीव करता है लीवर से और पेनक्रियाज से यानी मदद मांगता है डाइजेशन में नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर हो गया हार्वी बोरस के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं लॉन्ग होते हैं क्योंकि सेलोलोस को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है कार्नी बोरस के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेशन रिसीव करता है लीवर और पेनक्रियास से तो पहले बस जान देते लीवर के बारे में फिर जानेंगे पेनक्रियाज के बारे में फिर वापस स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाएंगे ठीक है लीवर लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी पूरी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है मैंने आपको बताया ग्लैंड क्या होता है जो या तो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है या फिर वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो वो ग्लैंड होता है तो लिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी में इट सेक्रेट बाइल पिगमेंट जो लिवर होता है वो बाइल पिगमेंट यानी बाइल जूस प्रोड्यूस करता है एंड बाइल सॉल्ट और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है यानी बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल सॉल्ट भी आप बोल सकते हो जो करता क्या है विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो फैट के इमलेशन में नीड होती है नीड होती है मैं फिर रिपीट कर देता हूँ हमारी पूरी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है ये बाइल पिगमेंट या बाइल सोल्ट आप सिंपल इनको बाइल जूस बोल सकते हो यह बाइल जूस इमलिफिकेशन करता है फैट का फैट को डाइजेस्ट करता है पेनक्रियाज क्या करता है पेनक्रिया पेनक्रिया जूस पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है lipis, अब इस के अंदर दो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन एंड लिपिस अब ट्रिप्सिन क्या करता है लिपिस क्या करता है विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ये ट्रिप्सिन और लिपिस प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं ये आपका पेज कंप्लीट हो गया जल्दी से रिवाइज करा दू स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जल्दी पढ़ा दू मैं आपको हार्विब के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं लॉन्ग होते हैं वाई बिकॉज सेलुलर को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है कार्निवॉस का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है क्योंकि कार्निवॉस के लिए मीट को डाइजेस्ट करना आसान है स्मॉल इंटेस्टाइन किसका कंप्लीट डाइजेशन करता है तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेशन रिसीव करता है किससे से लीवर और पेनक्रियाज से लीवर क्या है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर क्या प्रोड्यूस करता है बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड बाइल जूस बाइल जूस क्या करता है बाफिकेशन ऑफ फैट करता है फैट को डाइजेस्ट करता है पेनक्रियाज क्या करता है पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि जिसके अंदर दो एंजाइम होते हैं एक का नाम है ट्रिप्सिन एक का नाम है लाइट लिपेज ट्रिप्सिन और लिपेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में प्रोटीन के फैट के और कार्बोहाइड्रेट्स के पेनक्रियाज कंप्लीट हो गया वापस आ गए अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पे अब आपको हो गए सर जी स्मॉल इंटेस्टाइन तो अभी पढ़ा है अभी तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिक जाना था अब स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी तो कुछ करता होगा सर जी स्मॉल इंटेस्टाइन ने लीवर और पेनक्रियाज की मदद ली ले थी लेकिन भैया स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी तो कुछ कर रहा होगा तो जी हाँ ये बहुत काम करता है क्या काम करता है सुनिए द एंजाइम प्रेजेंट इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो एंजाइम प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज लास्ट पार्ट में जिसको हम इलियम बोलते हैं इलियम फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड अब वो जो इलियम होता है वो जो एंजाइम प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट में वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में एंड फैट और फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है मैं फिर बता देता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं कहां होते हैं जो इसके बिल्कुल लास्ट पार्ट में मौजूद होता है जिसको हम इलियम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का बिल्कुल लास्ट पार्ट में जिसको इलियम कहते हैं एंजाइम मौजूद होता है यह एंजाइम कन्वर्ट करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फिर फूड आ गया लार्ज इंटेस्टाइन के पास अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा

रिमेनिंग वॉटर सारे बचे हुए वॉटर को फ्रॉम द अडाइजेस्टेड फूड अनडेस्टेड फूड में जितने भी वॉटर बसते हैं उन सबको यह एब्जॉर्व कर लेता है और इसकी मदद करता है विली अब ये विली क्या होता है तो विली स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मौजूद होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी मौजूद होता है यह समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ विली के बारे में विली जो होता है ये फिंगर लाइट प्रोजेक्शन होता है मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं क्या आपको दिख रहा है ये डायग्राम ये दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है थोड़ा सा इसके अंदर विली मौजूद होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो बाहर सा दिखाई दे रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में ना विली मौजूद होता है विली होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये फिंगर जैसा होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं ये करता क्या है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का विली होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का विली होता है ये फूड को एब्सॉर्व करता है जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है ना डाइजेस्टेड फूड इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन का विली है वो वॉटर को एब्जॉर्व करता है आई होप आपको समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विली है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करता है फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के लिए एब्जॉर्व कर लेता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन का विली है वो वॉटर को एब्सॉर्ब करता है ठीक है विली के बारे में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं मैं आपको definition मैं आपको सब कुछ आपके लिए लाया विली आर टीनी आ गया ना Willi जो होते हैं वो मिलियन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द इनर सरफेस फॉर इंटस्टाइन इंटस्टाइन के इनर सरफेस में कौन सा इंटस्टाइन तो लार्ज इंटस्टाइन में भी पाया जाता है और स्मॉल इंटस्टाइन में भी पाया जाता है The villi are richly supplied with blood A, विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड vessels. अब बच्चों villi जो होता है ना ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है which टेक द absorb जो कि जो absorb फूड है उसको मिला देता है ब्लड में जो ब्लड जो है वो ले जाता है ईच एंड एवरी सेल वो ब्लड फॉर उस फूड को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा देता है बॉडी के ठीक है विली ने क्या करा सर विली ने क्या करा तो विली ने सर फूड को absorb कर लिया अब ये विली जो है कनेक्ट है हमारे ब्लड सेल से ठीक है ब्लड सेल से कनेक्ट है अब ब्लड क्या करता है पूरी बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है विली क्या है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी फिंगर जैसा शेप होता है जो कि प्रेजेंट होता है इनर सरफेस इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है दोनों इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है सर ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड को एब्सॉर्व करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में तो वाटर को एब्सॉर्व करेगा विलीज होता है वो कनेक्ट होता है हमारे ब्लड वेसल से जो कि एब्जॉर्व कर लेता है फूड को और ब्लड को दे देता है फिर ब्लड क्या करता है तो ये ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंचा देता है हमारे फूड को यहां पर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों आपका पहला टॉपिक न्यूट्रिशन तो रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इसको रिवाइज करवा लेता हूं ठीक है स्पीच को स्मॉल टेस्टाइन इसका अंदर एंजाइम्स होते हैं बिल्कुल लास्ट पार्ट में जिसको इलियम बोलते हैं ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में फैटी एसिड फैट और ग्लिसरॉल में लार्ज इंटेस्टाइन ला का मेन फंक्शन होता है कि वाटर को एब्सॉर्व करना अनडाइजेस्टेड फूड से विली विली होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि प्रेजेंट होता है हमारे दोनों इंटेस्टाइन में विली जो है कनेक्ट होता है, है ब्लड वेसल से जो कि फूड को एब्सॉर्व कर लेता है उसके बाद ब्लड को दे देता है ब्लड फिर ईच एंड एवरी सलते तक फूड को पहुंचा देता है तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना देखियो आप बाकी जो सारे टॉपिक है वो अब स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन से तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन देखिए अगर हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन हो चुका है रेस्पिरेशन के बारे में बट एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं एयर में से इन टू द सेल और उस एयर को ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाते हैं यूजिंग इट और फिर उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर रिलीजिंग एनर्जी एनर्जी को रिलीज करने के लिए बाई बर्निंग फूड फूड को बर्न करने के द्वारा तो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं ताकि फूड को बर्न किया जा सके और फूड जब बर्न होगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन जो हम पहले भी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं सेम डेफिनेशन है आप चाहो तो मिला सकते हो वहां से भी नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से के लिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बच्चों रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन दे आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन सेकेंड इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये यह हम यहां पे जानेंगे एरोबिक और एन एरोबिक के डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी टेबल में बट उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे तो यह जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है बाय वेरियस पाथवे अलग अलग रास्तों से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है तो पहले यह जानना पड़ेगा टॉपिक तो हम ये जानना चाहेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है बाय वेरियस पाथवे अलग अलग रास्तों के द्वारा अब आप कहोगे सर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का मतलब क्या है देखिए आपने जो फूड खाया था ना वो फूड ऑफ सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है अब ये ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी देगा तो ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के अलग अलग मेथड होते हैं आपकी बॉडी ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के हिसाब से ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज जिसमें सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होते हैं कार्बन के सिक्स मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि आपको ग्लूकोज का फॉर्मुला पता होगा सी सिक्स एच ट्वेल्व O6 तो कार्बन के सिक्स मॉलिक्यूल इसमें होते हैं अब ये ग्लूकोज क्या होता है सबसे पहले ब्रेक ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म जब ब्रेकडाउन होता है तो उसको पाइरुवेट कहते हैं अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वॉट इज पायडुवेट वेन ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन साइटोप्लाज्म इन द्री कार्बन मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज में एनर्जी रिलीज करता है या ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन के तीन मॉलिक्यूल में तो उसको पाइडुवेट कहते हैं अब बचे हुए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है तो ये डिपेंड करता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसे होगा ब्रेकडाउन लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन कम है तो इस प्रकार से डाउन होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन है तो इस प्रकार से डाउन होगा तो सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो हमारे पास हमारी बॉडी में ग्लूकोज है जो कि कार्बन के सिक्स मॉलिक्यूल में है अब ये साइटोप्लाज्म में गया आपको याद होगा साइटोप्लाज सेल याद आपने पढ़ा रखा सेल के बारे में तो जब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज में जाता है तो ये कार्बन के थ्री मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है विच इज कॉल्ड पायरुवेट बचे हुए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपका बॉडी एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में कहीं पर ऑक्सीजन ना हो क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी के किसी सेल में ऑक्सीजन नहीं हुआ तो वो सेल तो डेथ हो जाएगा तो इसलिए ये एनिमल की बॉडी में नहीं होता ये पाया जाता है ईस्ट वगैरह में ईस्ट आपको पढ़ोगे ईस्ट वगैरह में पाया जाता है ये एनिमल की बॉडी में नहीं हो सकता एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस तो ये ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में एथेनॉल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज होता है सेकेंड केस होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की भाई आपकी बॉडी में ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जब कमी हो अब आप कहोगे ऐसा कब होगा ऑक्सीजन की कमी कब होगी जब कोई एथलीट लगातार दौड़ेगा तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है कोई क्रिकेटर बहुत देर से अगर बैटिंग कर रहा है तो उसके बॉडी में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है कोई फुटबॉलर लगातार फुटबॉल खेल रहे हैं तो उनकी बॉडी में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तो ये ह्यूमन के मसल सेल में पॉसिबल है ये ह्यूमन के मसल सेल में पॉसिबल है जब उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है अगर ऑक्सीजन की कमी है तब आपका बॉडी लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा अगर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है अगर आपकी किसी सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन है तब आपके सेल जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी को बनाएगा तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी अगर आप इस समय रिलैक्स आराम से बैठ के पढ़ रहे हो मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपका बॉडी ये बना रहा है आपका सेल ये बनाएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी भरपूर ऑक्सीजन आपके सेल में भरा हुआ है तो ये पाया था माइट्रोकॉन्ड्रिया में माइट्रोकॉन्ट्रिया आपको याद होगा सेल के पावर हाउस को बोलते हैं याद होगा ना आपको तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो अगर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उस समय हमारा सेल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है।, तो अगर आप इस समय से, बना रहा है लेकिन आप खेलते रहोगे तो आपका बॉडी ये बनाना स्टार्ट करेगा ये एनिमल सेल में पॉसिबल नहीं है बट ईस्ट वगैरह में होता है जहां एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है इन डेट केस जो ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन होता है एथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में आई होप आपको समझ में आ गया होगा लास्ट बार बता देता हूं हम पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज जब साइटोप्लाज में जाता है तो ये तीन कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है विच इज कॉल्ड पाइडवेट बचे हुए ग्लूकोज को तोड़ने के तीन मेथड होते हैं एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनेगा ऑक्सीजन लैक अगर कम ही है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनेगा फिर आते हैं उसी टॉपिक पे कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या है जो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो होते हैं एरोबिक और एन एरोबिक देखिए बच्चों इसके रटने की जरूरत नहीं है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये है आप यहीं पर याद कर सकते हो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ना जो एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे बोलते हैं एन एरोबिक एरोबिक देखिए दो टाइप के रेस्पिरेशन है एरोबिक और एन एरोबिक तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला होता है एरोबिक जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला होता है और एन एरोबिक जो होता है वो एफसेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला होता है ठीक है तो अगर पहला डिफरेंस बात करो एरोबिक और एन एरोबिक में पहला डिफरेंस मैं बताऊं तो एरोबिक क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये वाला केस ये वाला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एन क्या होता है तो एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ये वाला केस एरोबिक को हम इस वाले केस से रिप्रेजेंट करते हैं और एन रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दूसरा डिफरेंस ये ईस्ट में होता है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है दो डिफरेंस हो गए तीसरा डिफरेंस इसमें एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनता है तो तीन डिफरेंस हो गए फोर्थ डिफरेंस एफसेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले में यानी एन रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है ना वो कम बनती है जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है तो इसके लिए रटने की जरूरत नहीं है ये जो एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन है यही है और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है यही एरोबिक है तो एक डिफरेंस तो ये हो गया ऑक्सीजन का केस ये माइट ईस्ट में होता है माइट्रोकवाडियम होता है एथनॉल कार्बन डॉक्साई एनर्जी बनती है इसमें कार्बन डॉक्साइड वाटर एनर्जी बनती है इसमें एनर्जी ज्यादा बनती है इसमें एनर्जी कम बनती है सॉरी इसमें एनर्जी ज्यादा बनेगी एरोबिक है तो एनर्जी ज्यादा बनेगा इसमें एनर्जी कम बनेगा तो अगर आपके एग्जाम में यह आता है यह मैं आपको रफली बता रहा था आप चाहो तो टेबल से कर सकते हो ये रहा टेबल आ चुका आपके सामने कि एन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एन एरोबिक और एन एरोबिक क्या होता है ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑक्सीजन इज एबसेंट वेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस तो यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है यहां ऑक्सीजन एबसेंट होता है गैसेस आर एक्सचेंज इन एक्सचेंज होती है गैसेस आर नॉट एक्सचेंज इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होती है इट कैन बी फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म माइट्रोकॉन्ड्रिया यह माइट्रोकॉन्ड्रियाम होता है और जबकि यह पाया जाता है ईस्ट में यह ओनली साइटोप्लाज्म होता है या फिर ईस्ट में होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन तो अगर आपके पेपर में आता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन या तो ये टेबल बना दो या फिर आप खुद भी लिख सकते हो ना एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एन एरोस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया एन रेस्पिरेशन ये वाला एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक वाला जो है, वो माइटोकॉन्ड्रिया एनरोबिक ईस्ट में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनेगा और एन रेस्पिरेशन में एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम रिलीज होती है ठीक है तो ये था इस पेज पर एरोबिक और एरो का केस और भी है यहां पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी पहले कर चुके हो आप ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी पहली बता चुका हूं मैं आपको देख लीजिए आप आप पहले ही कर चुके हो देखिए ये रहा ये था एन एरो का केस ये रहा तीनों चीज ये था केस ये रहा तीनों चीज तो आप पहले कर चुके हो ऑल हायर ऑर्गेनिज्म जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन एनिमल इन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट वगैरह बैक्टीरिया वगैरह इसमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो हायर ऑर्गेनिज्म होता है ना जैसे एनिमल्स ह्यूमन इन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है लोअर ऑर्गेनिज्म सच है फॉलो करते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पाइडुवेट क्या होता है वॉट इज पाइडुवेट तो जब ग्लूकोज मीन सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में साइटोप्लाज्म के अंदर तो इसको पाइडुवेट बोला जाता है मैंने आपको समझाया भी था शायद आपको याद आ जाए देखिए जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है और तीन कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है तो दिस इज कॉल्ड पाइडोवेट तो इसी चीज को अलग से मैंने डेफिनेशन में भी लिया है अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पाइडोवेट तो आपको बताना है कि ग्लूकोज मीन सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इंटू पाइडवेट विच इज थ्री कार्बन मॉलिक्यूल द साइटोप्लाज इन ऑल ऑर्गेनिज्म में जो होता हैोलिक्यूल में कन्वर्ट है, हो जाए विच इज कॉल्ड पायडोवेट माइक्रोकोन्ड्रिया इज द साइट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायडोवेट यूजिंग ऑक्सीजन माइक्रोकोडिया वो जगह है जहां ब्रेक डाउन होता है पायडोवेट का ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके माइट्रोकोडिया वो जगह है जहां पे ब्रेक डाउन होता है पाइडोवेट का यूजिंग ऑक्सीजन इट मींस वो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला केस आपको समझा रहे हैं कि माइट्रोकॉन्डिया में ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ठीक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये वाला केस समझा रहे हैं ठीक है पाडुबेट क्योंकि ये तो एनिमल और ह्यूमन में होता ही नहीं है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्रैम्प इन बॉडी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बोर्ड में आ चुका है और बहुत लिमिटेड बच्चों को इनका आंसर पता होता है क्रैम्प इन बॉडी देखिए अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि खिलाड़ी जब बहुत देर खेलते रहते हैं ना तो उनकी बॉडी में क्रैम्प पड़ जाता है वो सही से चल नहीं पाते तो उनको दिक्कत आ जाती है क्यों समाइम वेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है इन आर मसल सेल समटाइम वेन देअ लैक ऑफ ऑक्सीजन कभी कभी जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे मसल सेल के अंदर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इन टू लेकिन इन डेट के लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस की जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो पायरुवेट लेक्टिक एसिड बनाएगा विच इज ऑल्सो थ्री कार्बन मोलिक्यूल जो कि वो भी तीन कार्बन मोलिक्यूल होता है लेकिन एसिड दिस बिल्डअप ऑफ लेक्टिक एसिड इन आर मसल ये जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बना है ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी अब अगर कोई सडन एक्टिविटी करेंगे यानी एकदम से तेज भागेंगे या कोई बड़ा शॉट मारने का प्रयास करेंगे इससे हमारी बॉडी में क्रैम्प पड़ता है कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो केस था ना लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस ये जिम्मेदार होता है बॉडी में क्रैम्प के क्योंकि देखिए ये मस्कुलर सेल में था तो जब हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो हमारा जो सेल होगा वो पायुर्वेट को कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में और ये लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में क्रैम्प पड़ने का इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दू जितने भी एथलीट होते हैं ना उनको खेलने से पहले कोई मैच से पहले दही नहीं खाना चाहिए कर्ड नहीं खाना चाहिए अगर आप भी कोई एथलीट हो भागने जा रहे हो खेलने जा रहे हो तो दही खा के नहीं जाना चाहिए क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है और अगर आप कर्ड बहुत सारा खाके जाओगे तो आपके बॉडी में क्रैम्प पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे हमारे मसल में तो पाइडोवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में जो कि तीन कार्बन मोलिक्यूल है और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में अगर हम कोई सडन एक्टिविटी करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रैम्प के ठीक है नाउ एटीपी व्हाट इज एटीपी एटीपी so, की फुल फॉर्म हमने नाइन्थ में पढ़ा था एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी याद होगा आपको अगर आपने नाइन्थ का वीडियो देखा होगा मेरा एडोनोसिन ट्राइफॉसफेट माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन अब cellular respiration के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल वो सारी एनर्जी क्या करती है एक मॉलिक्यूल बनाती है जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान इट मींस ये आपको दिखा दू देखिए रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ रेस्पिरेशन के दौरान ये सब रेस्पिरेशन का कमाल है रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ ये एनर्जी एक मॉलिक्यूल बनाएगा एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ज इमीडिएटली यूज इसका इस्तेमाल किया कर लिया जाता है टू सिंथेसाइज मोलिक्यूल एक मोलिक्यूल के सिंथेसाइज के लिए कॉल्ड एटीपी उस, उसी को एटीपी बोलते हैं इट मीन अगर जो एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी बॉडी में वो तुरंत ही एक नया मोलिक्यूल बनाएगा उस मोलिक्यूल को एटीपी कहते हैं विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज जो बाकी सभी एक्टिविटी को एक फ्यूल के रूप में देगा ईंधन के रूप में देगा इन द सेल सेल के अंदर कई बार इसे करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं इट इज कॉल्ड करेंसी ऑफ सेल देखिए आप पैसा कमाते हो तो उस पैसे को बैंक में जमा करते हो क्यों ताकि आपको जब जरूरत हो आप बैंक से उसको निकाल सको ऐसे हमारे बॉडी क्या करती है जितनी एनर्जी बनाती है उन सबको ए टीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेती है और जो एक्टिविटी करते रहोगे एनर्जी एटीपी कम होता जाएगा फिर शाम तक पूरे सारे एटीपी खत्म हो जाएंगे आप वीक महसूस करोगे फिर दोबारा भोजन करोगे दोबारा आपकी बॉडी एटीपी बनाएगी दोबारा बहुत सारी करेंसी आपके तो आप हम पैसे को जमा करते हैं हमारी बॉडी एनर्जी को इकट्ठा करते तो पेज पर पे हमने क्या जाना एक तो हमने पाइडोबेट जाना कि जब ग्लूकोज का जो सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल था जब तीन कार्बन मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज में तो दिस इज कॉल्ड पाइडुबेट ये माइटोकॉन्डिया में होता है इज द साइट ऑफ ऑफ ब्रेकिंग डाउन डाउन ब्रेक होता है में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए क्रैम कब करता है बॉडी में जब हमारे मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो हमारा पाइडोबेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में जो कि थ्री कार्बन मोलिक्यूल है यही जो लैक्टिक एसिड है मसल्स के अंदर अगर हम सडन एक्टिविटी करेंगे तो वो कारण होगा हमारे क्रैम्प का एटीपी एनर्जी जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो सिंथेसाइज करता है नए मॉलिक्यूल को उस मॉलिक्यूल को एटीपी कहते हैं ये एटीपी फ्यूल के रूप में यूज होता है हमारी सारी एक्टिविटी के लिए ठीक है नाउ टॉपिक नंबर थर्टी एट पे आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम थर्टी एट टॉपिक मैं आपके लेके आऊ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए मैं आपको पहली कहा था चैप्टर बहुत बड़ा है बहुत बड़ा चैप्टर है तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट जो बच्चे हंड्रेड परसेंट सिलेबस एक ही बार में करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल रामबान है क्योंकि उसमें सब कुछ हमने इंक्लूड किया है ह्यूमन रिस्पेक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है नोस्ट्रिल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल क्या करता है फोर द इनटेक ऑफ एयर यह एयर को इनटेक करता है यानी एयर को लेने में मदद करता है नोस्ट्रिल से एयर को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर सेकेंड स्टेप होता है नसल चैंबर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भर रहे हैं यानी ह्यूमन जो रेस्पिरेट करता है उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं पहला है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल में जो एक्सटर्नल होता है हमारा वो एयर को इनटेक करता है बॉडी के अंदर फिर आता है नसल चैम्बर विच इज लाइंड हेयर एंड म्यूकस हमारे नसल चैम्बर में हेयर पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है नसल चैम्बर के अंदर हेयर होता है बाल होते हैं छोटे छोटे और म्यूकस होता है क्यों होता है टू फिल्टर द एयर ताकि वो एयर को फिल्टर कर सके एंड रिमूव डस्ट पार्टिकल और डस्ट ऑन डर्ट को रिमूव कर सके आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा नाक के अंदर देखा होगा आपने छोटे छोटे बाल होते हैं वो छोटे छोटे हेयर क्या करते हैं एयर को फिल्टर करते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर ना चला जाए अगला स्टेप होता है फारनेक्स फार्नेक्स क्या होता है इट इज द नसल चैम्बर नसल चैम्बर के बाद नसल चैम्बर के पीछे ये जो नेैंबर पर पीछे फार्नेक्स होता है इट इज अंदर चैम्बर पीछे होता है एंड सर्व एज द कॉमन पैसेज और ये कॉमन पैसेज होता है फॉर बोथ एयर एंड फूड एयर एंड फूड का इसलिए कहते हैं बुजुर्ग कि खाते हुए ना बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों फार्नेक्स जो होता है ना वो कॉमन पैसेज होता है हमारे एयर का भी और फूड का भी तो अगर आप खाते हुए बोलोगे ना तो कई बार आपने सुना होगा कि आपको धसका उठेगा बहुत तेज ठीक है ना और ये क्यों होता है क्योंकि कोई फूड पार्टिकल हमारे फारनेक्स में चला जाता है ये कॉमन पैसेज होता है बहुत एयर और फूड का इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहिए खाते हुए उसके बाद आता है लार्नेक्स ऑल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स अब लार्नेक्स आता है क्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं क्यों एज इफ हेल्प क्योंकि ये हेल्प करता है इन द जनरेशन ऑफ साउंड साउंड को जनरेट करने में आप कोई साउंड तभी प्रोड्यूस कर सकते हो जब आप एयर को बाहर निकालते हो बॉडी से आप बोल के देखो कुछ भी तो आप उसमें क्या कर रहे हो एयर को बाहर निकाल लो बॉडी से तो अगला देखो सबसे पहले एयर किसके पास गया था एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एक्सटर्नल नोस्ट्रेल ने एयर को इनटेक किया था नसल चैंबर इसके अंदर हेयर एंड म्यूकस होते हैं ताकि एयर को फिल्टर कर सके नसल चैम्बर के जस्ट पीछे फार्नेक्स होता है ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का उसके बाद आता है लार्नेक्स लार्नेक्स को साउंड बॉक्स कहते हैं क्योंकि हेल्प करता है साउंड जनरेट करने में एंड थर्स हेल्प अस इन कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग में हमें मदद करता है बातचीत करने में बोलने में हमारी सहायता करता है अब एयर लार्नेक्स के बाद अगला स्टेप जाता है एपिग्लोटिस यानी देखिए सबसे पहले एयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ने उसे बॉडी के अंदर लिया फिर था नेसल चैम्बर नेसल चैम्बर के अंदर हेयर और म्यूकस थे जिसने डस्ट पार्टिकल को रिमूव करा रोक दिया फार्नेक्स ये कॉमन पैसेज होता है जो नेसल चैम्बर के पीछे होता है और ये कॉमन पैसेज होता है एयर का और फूड का उसके बाद एयर जाता है लार्नेक्स के पास लार्नेक्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो हम एयर अंदर ले रहे हैं वो साउंड प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है हमारी कम्युनिकेटिंग में हेल्प करता है अब एयर जाता है बच्चों एपिग्लॉटिस के पास अब एपिग्लॉटिस क्या है इट इज लाइक स्ट्रक्चर जो एपिग्लॉटिस होता है उसका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट कवर द ग्लोटिस जो ग्लोटिस को कवर करता है एपिग्लॉटिस एक लाइक स्ट्रक्चर -like होता है जो ग्लोटिस को कवर करता है क्यों कवर करता है एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड ताकि फूड एंटर ना कर पाए हमारे विंड पाइप के अंदर ये हम स्टेप बाइस पढ़ रहे हैं कि एयर कौन कौन से स्टेप से हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो एपीग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर करता है ग्लोटिस को और ये प्रिवेंट करता है द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल फूड पार्टिकल के एंट्री को रोकता है ताकि फूड पार्टिकल विंड पाइप के अंदर ना जाए नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रेकिया वॉट इज ट्रेकिया इट इज अ लॉन्ग ट्यूब ये एक लंबा सा ट्यूब होता है पासिंग थ्रू द मिड कैविटी एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो पास करता है एयर को मिड थ्रोसिक कैविटी के द्वारा उसके बाद एयर जाता है ब्रॉन्ची के पास इज ब्रॉन्ची ब्रॉन्ची क्या है द ट्रेकिया डिवाइडेड इन टू लेफ्ट एंड राइट ब्राउन जो ट्रेकिया होता है मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं शायद थोड़ा सा डायग्राम से और क्लियर हो जाए आपको जो ट्रेकिया होता है बच्चों ये लेफ्ट साइड और राइट right साइड में डिवाइड हो जाता है ठीक है तो इन सबको ब्राउन कहते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा ये पेड़ की शाखा जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा दीज आर कॉल ब्राउन चीज इन्हें ब्राउन कहते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट right साइड में डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में बट जाता है तो जो ट्रेकिया था वो दो हिस्सों में बट गया लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट द ट्रैकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रॉन्ची ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है लेफ्ट राइट right में ब्रॉन्ची के फॉर्म में अब आता है ब्रांचियोल्स वॉट इज ब्रॉन्चियोल्स इच ब्रॉन्च हरेक ब्रांची ये जो हरेक ब्रॉन्ची है इच फर्दर डिवाइड वो भी छोटे छोटे और छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है इनटू फाइन चैनल्स और ज्यादा पतले चैनल बढ़ जाता है यानी ट्रेकिया से एयर पहुंचा ब्रॉन्ची के पास ब्रॉन्ची भी छोटे छोड़ छोटे हिस्सों में छोटे छोड़ छोटे चैनल में बट गया विच इज कॉल ब्रांचियोल्स नॉन एज ब्रॉन्चियोल्स ईच ब्रॉन्चस यानी हरेक ब्रॉन्ची इट फर्दर डिडेड और ज्यादा डिवाइड हो जाता है छोटे छोड़ छोटे हिस्सों में इन टू फाइन चैनल बहुत पतले पतले चैनल में नॉन एज ब्रॉंचोल्स जिनको ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं तो अब तक हमने ह्यूमन डिस्पिलिटी सिस्टम में क्या क्या पढ़ा सबसे पहले पढ़ा हमने क्योंकि पेज कंप्लीट हो गया तो मैं आपको पता बार करा देता हूं सबसे एक सब पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो एयर को इंटेक करता है नेसल पैसेज जिसके अंदर हेयर एंड म्यूकस होता है जो फिल्टर करता है एयर को डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है फारनेक्स ये नेसल पैसेज के जस्ट पीछे होता है बिहाइंड द नेसल पैसेज और ये कॉमन पैसेज होता है हमारे एयर का और फूड का क्स जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि हेल्प करता है साउंड जनरेट करने में कम्युनिकेट करने में हमें मदद करता है उसके बाद एयर जाता है एपिग्लॉटिस के पास एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर करता है ग्लॉटिस को यह प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को विंड पाइप में ट्रेकिया ये लॉन्ग ट्यूब होता है जो पास करता है मिड थ्रोसिक कैविटी के द्वारा उसके बाद ब्रॉन्ची जो ट्रेकिया होता है वो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट पार्ट में जिनको ब्रॉन्चीज नाम दिया गया हर एक ब्राउन और डिवाइड होता है जिसको ब्रांचियो बोलते हैं ईच इज फर्दर डिवाइडेड और ज्यादा डिवाइड हो जाता है फाइन चैनल में जिनको ब्रांचियो कहते हैं तो आठ स्टेप हो चुके हैं ह्यूमन रिस्प्रेटिव सिस्टम के आठ स्टेप हो चुके हैं अभी भी एयर जो है वो ब्लड के पास नहीं गया है अब एयर जाता है एलबियोली के पास तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है एलविओली अच्छा एक चीज और ध्यान रखना ये जरूरी है बच्चों के आपके एग्जाम में ह्यूमन सिस्टम पूरा है इनमें से कोई एक क्वेश्चन अलग से भी बन के आ जाता है आपको सेपरेट क्वेश्चन का आंसर भी पूछ सकते हैं कि एक्सटर्नल नोस्टल क्या होता है पैसेज क्या होता है लारनेक्स क्या है एपिग्लॉटिस क्या, क्या होता है ट्रेकिया क्या होता है ब्रॉन्ची क्या होता है ब्रॉन्ची क्या, क्या होता है तो ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन बन के आ जाता है ठीक है नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एलविओली वॉट इज एलवियोली एल्वियोली किसे बोलते हैं द एंड अप अब वो जो एंड थे छोटे छुट छोटे वो एंड होते हैं इन टू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के पास जाकर नॉन एज एल्वियोली वो जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं एल्वियोली देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ना इसका एक स्पेशल डायग्राम भी बना हुआ है अगर आप देख पाओ देखिए ये रहा ये जो आप देख रहे हो ना ये ये जो आप येलो कलर से पूरा देख रहे हो ये ये दीज आर होते हैं और इसमें देखो उभरे हुए छोटे छोटे गुब्बारे जैसे आपको दिखाई दे रहे हो जैसे ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा हल्का सा उभरा हुआ तो ये जो बैलून लाइक हल्के हल्के बैलून लाइक दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे बैलून आपको दिखाई दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड एल्वियोली को एलवियोली के नाम जाना जाता है तो जो ब्राउन होते हैं वो एंड होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर के पास ये ब्राउन एंड होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर के पास इसी बैलूगलाइ स्ट्रक्चर को एल्बियोली बोला जाता है अब अंतिम स्टेप में एयर आता है लंग्स के पास ये लास्ट स्टेप है लंग्स के पास आपका एयर आ चुका है वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स हमारे पास एक पेयर ऑफ लंग्स है विच आर शेक लाइक स्ट्रक्चर जिसका लाइक स्ट्रक्चर -like है एंड कवर्ड बाई अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन और डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको हम प्लेसिस बोलते हैं तो ये देखिए ये देखिए ये आप मैं आपको दिखाता हूं ये पूरा आपका ह्यूमन रेस्परेटिव सिस्टम आपको दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक्स में तो इसमें आपको एक एक का फंक्शन पता होना चाहिए एक तो लेबलिंग तो डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना नसल पैसे जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था फारनेक्स लार्डनेक्स देखिए सारे नाम मिलेंगे ट्रेकिया ब्राउन्ची ब्रॉन्चियो एलवियोली ठीक है लंग्स लगभग आपको सारे नाम मिल चुके हैं रिंग्स ऑफ काट अभी हम पढ़ेंगे तो ये लगभग सारे नाम आपको मिल चुके हैं यही तो मैं समझा रहा हूं होता क्या है कि हम डायग्राम देख लेते हैं डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसा नहीं होता आपके एग्जाम में डायग्राम लेबलिंग यानी कौन सी चीज कहां पर है उसकी लेबलिंग सीख के जानी है और प्लस हर एक पार्ट का फंक्शन पढ़ के जाना है हर एक पार्ट का फंक्शन ईच पार्ट का कम से कम दो दो लाइन याद कर लो एक एक पार्ट का फंक्शन देखिए मैं आपको समझा रहा हूं एक एक पार्ट का आपको फंक्शन करके जाना ये जगह मैंने डायग्राम के लिए छोड़ रखा था तो डायग्राम मैंने आपको एनसीआरटी बुक में दिखाई दिया नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट बहुत ही छोटा टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है रेस्पिरेशन इन प्लांट की प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है तो ज्यादा डिटेल तो नहीं है बट जो एनसीआरटी बुक में है वो मैं तो आपको जरूर बताऊंगा एट नाइट रात में वेन देर इज नो फोर्टोसिंथेसिस जब प्लांट फोर्टोसिंथेसिस नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी उस समय कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करता है प्लांट एट नाइट रात में वेन देर इज नो फोटो सिंथेसिस जब फोर्टोसिंथेसिस नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है एक्सचेंज करता है बाहर निकालता है रिलीज करता है इसलिए तो कहता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर रहा है प्लांट तो प्लांट के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए नाउ सेकेंड पार्ट डूरिंग द डे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ था रेस्पिरेशन के दौरान इज यूज इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है फोर फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस सिंथेसिस के लिए ड्यूरिंग द डे दिन में जब फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस होगा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ था उसका यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ था लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया गया फोटोसिंथेसिस में इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता इंस्टेड इसकी जगह ऑक्सीजन रिलीज ऑक्सीजन रिलीज होता है इज द मेजर इवेंट एट दैट दिस टाइम यानी दिन के समय ऑक्सीजन रिलीज होता है जबकि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है अच्छा रिलीज एंड एलिमिनेशन में फर्क होता है रिलीज जब हो जाती है उस समय वो निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं एलिमिनेट पता है ना आपको निकालना इसमें रिलीज करना उत्पन्न करना दोनों में डिफरेंस होता है तो रात में जब फोटोसद नहीं होता उस समय कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है दिन में जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है रेस्पिरेशन के दौरान वो तो में यूज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा इसकी जगह ऑक्सीजन रिलीज होगा तो जब दिन में फोटोसिनेज होता है ना प्लांट में तो ऑक्सीजन रिलीज होता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है तो ये दो पॉइंट अलग अलग आपको याद करके जाना है ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट नाउ अगला टॉपिक रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी में रहने वाले जीव वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं रेस्पिरेशन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी में रहने वाले जीव रेस्पिरेशन कैसे करते हैं सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो डिजोल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है वो बहुत कम होता है उसका लो कंसंट्रेशन होता है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम उसको कंपेयर करें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से एयर के अंदर देखिए हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं वो एयर से ऑक्सीजन को इनहल करते हैं एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है जबकि बच्चों वाटर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है इसे बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन तो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन का जो अमाउंट है ये बहुत ज्यादा लो होगा एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एयर के कंपेरिजन में द रेट ऑफ ब्रीथिंग इसलिए रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में इज मच फास्टर इट मींस जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जलीय जीव होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग यानी वो जो जो सांस लेते हैं रेस्पिरेटन करते हैं वो जल्दी जल्दी होता है Much आपने कभी मछली को देखा होगा बार बार वो अपना मुंह बंद करता है ओपन करता है बंद करता है जल्दी जल्दी क्योंकि उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग बहुत ज्यादा होता है क्यों ज्यादा होता है क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है देन डेट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं हम जैसे ऑर्गेनिज्म इनका रेट ऑफ ब्रीथिंग कम होता है हम लोग आराम आराम से रेस्पिरेशन करते हैं जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होता है मैं फिर आपको समझा देता हूं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो पानी में रहते हैं इनका रेस्पिरेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है अब ये क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा होता है तो आंसर दोगे सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ये बहुत ज्यादा कम पाया जाता है कंपेयर अगर हम करें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर के मुकाबले बहुत कम ऑक्सीजन होता है इसलिए द रेट ऑफ ब्रीथिंग इसलिए जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ज्यादा फास्टर होगा उन्हें बहुत जल्दी सांस लेना पड़ेगा सीन इन द टेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कंपेयर टू टेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हम लोग बहुत आराम आराम से रेस्पिरेशन करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत कम पाया जाता है नाउ वॉट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमेन हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या नाम है बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है आपके यूट्यूब वगैरह में भी आया होगा इन ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग में द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन ह्यूमन बींग के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम है हीमोग्लोबिन विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है दिस पिगमेंट इट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल और ये जो हीमोग्लोबिन है ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिस्पिरेटिव पिगमेंट बताओ ह्यूमन बींग का तो व्हाट इज द नेम ऑफ रिस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन तो दिस इज हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में किसकी एफेनिटी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन की एफेनिटी ज्यादा होती है कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट पे होता है तो दिस इज प्रेजेंट इन आरबीसी रेड ब्लड सेल मौजूद होता है हीमोग्लोबिन आगे बढ़ता है देखिए अब तक हमने अगर आपने ध्यान दिया हो जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस के चार आ, आ, प्रोसेस बताए थे लाइफ प्रोसेस के अंदर चार यूनिट बताए थे चार टॉपिक बताए थे कि बच्चों ये चारों चीजें मिलकर लाइफ प्रोसेस बनाता है न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन इसमें न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन और ये जब कंप्लीट होगा तो एक्सक्रिएशन तो ट्रांसपोर्टेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पहले भी बताया था ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मेटीरियल इन आर बॉडी जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी में ठीक है कौन ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में फूड ऑक्सीजन वगैरह को तो ब्लड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड को ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी में कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ब्लड के कंपोनेंट्स, बच्चों ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं आर फोर कंपोनेंट ऑफ ब्लड फर्स्ट इज आरबीसी ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन होता है वो कैरी करता है आरबीसी रेड ब्लड सेल मैंने आपको हीमोग्लोबिन अभी बताया भी था ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं आप पहले नाम भी जान लो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा और प्लेटलेट्स प्लाज्मा और प्लेटलेट्स सो दे फोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट क्या था आरबीसी आरबीसी क्या करता है आरबीसी क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करता है हर एक सेल तक पहुंचाता है डब्ल्यू क्या करता है These help fight infections. ये सेल जो होता है, वो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से बाय अटैकिंग बैक्टीरिया अगर बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया हो वायरस ने अटैक कर दिया हो किसी जर्म ने अटैक कर दिया हो तो ये उनसे फाइट करता है डेट्स वाई डब्ल्यू को सोल्जर बोला जाता है इट इज कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी ये सैनिक होते हैं हमारे शरीर के शरीर के सैनिक हैं ये सोल्जर हैं क्योंकि ये फाइट करते हैं इंफेक्शन अगर अटैक होता है बैक्टीरिया का वायरस का जर्म्स का तो उससे ये फाइट करता है प्लाज्मा क्या करता है तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को कार्बन डाइऑक्साइड को एंड नाइट्रोज वेस्ट को प्लाज्मा क्या करता है प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजियस वेस्ट को डिजॉल्व फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे भी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है सो आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ब्लड के चार कंपोनेंट होते हैं जल्दी जल्दी याद कीजिए आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है रेड ब्लड सेल डब्ल्यू बी सी फाइट करता है बैक्टीरिया वायरस जम से कॉल्ड सोल्जर ऑफ द सेल या सोल्जर ऑफ द बॉडी प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन बेस को प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है नाउ आर हार्ट हमारा हृदय डायग्राम आपके सामने है और डायग्राम आपको पता ही ये बहुत ज्यादा इसका एग्जाम में आता है खासकर इसकी लेबलिंग तो एक एक चीज बहुत आराम से समझना है देखिए ये हमारा डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का इसमें सबसे पहले यहां पर याद रखना एरोटा यहां पर एरोटा इस वाले पार्ट को बोलते हैं पल्मनरी आर्टरीज अभी मैं एक एक के फंक्शन बताऊंगा पलनरी आर्टरीज उसके बाद वा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पल्मनरी वींस इस वाले पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको बोलते हैं सेप्टम डिवाइडिंग वॉल यहां पे आ जाओ राइट right वेंटिकल इसको बोलते हैं राइट वेंटिकल इसको बोलते हैं विने कावा लोअर बॉडी में विने कावा दिस इज कॉल्ड राइट आर्ट्रियम ये रेफ्ट वेंटिकल ये वाला लेफ्ट वेंटिकल ये राइट सॉरी 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 ये राइट आ राइट वेंटिकल ये वाला राइट right वेंटिकल right और ये राइट आर्ट्रियम राइट वेंटिकल लेफ्ट वेंटिकल लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम राइट वेंटिकल लेफ्ट वेंटिकल बताऊंगा आपको विनेकाबा फ्रॉम द अपर बॉडी ये लोअर बॉडी का भी था ये लो अपर बॉडी का भी है तो ये मैं आपको बता रहा हूं लेबलिंग के लिए कि सबसे पहले आपको लेबलिंग याद रखना है क्योंकि एग्जाम में लेबलिंग आती है डायग्राम तो आपको बनाना ही है प्लस लेबलिंग अब हम एक एक करके आपको इसके फंक्शन समझा रहा हूं ठीक है वर्किंग ऑफ आर हार्ट हमारा हार्ट काम कैसे करता है तो आपको डायग्राम की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी समझने के लिए सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड जो ऑक्सीजन वाले ब्लड होते हैं फ्रॉम द लंग्स लंग्स से कम टू द थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हर्ट वो हर्ट के अपर चैम्बर में आता है ऑन द लेफ्ट लेफ्ट पार्ट में जिसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम तो ये होता है बच्चों पहला स्टेप लेफ्ट आर्ट्रियम जो लंग्स है वहां से ऑक्सीजन वाले ब्लड सबसे पहले आता है लेफ्ट आर्ट्रियम के पास पैरा स्टेप लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन वाले ब्लड सबसे पहले आता है लेफ्ट आर्ट्रियम के पास ठीक है लंग्स से ऑक्सीजन वाले ब्लड किसके पास आता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम के पास पहला स्टेप लेफ्ट आर्ट्रियम इस ब्लड को देगा लेफ्ट वेंटिकल को ये दूसरा स्टेप है लेफ्ट आर्ट्रियम उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को देगा लेफ्ट वेंटिकल को सेकेंड पार्ट देखिए इट देन कॉन्ट्रास्ट ये कॉन्ट्रास्ट होता है वाइल द नेक्स्ट चैंबर जबकि अगला जो चैंबर है द लेफ्ट वेंटिकल ये वाला चैंबर लेफ्ट वेंटिकल रिली ये रिलैक्स करता है सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट ताकि ब्लड इसके अंदर ट्रांसफर हो जाए ये कॉन्ट्रास्ट करेगा सिकुड़ जाएगा ये एक्सपेंड करेगा फैल जाएगा तो सारा का सारा ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल के पास आ जाएगा लंग्स से सारा ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम के पास लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रास्ट होगा तो लेफ्ट वेंटिकल एक्सपेंड करेगा और सारा का सारा ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल को ट्रांसफर हो जाएगा तो ये दो स्टेप थे यहां पे हम जानेंगे लेफ्ट वेंटिकल ये रहा लेफ्ट वेंटिकल ये दूसरा स्टेप हो गया नाउ तीसरा स्टेप थर्ड स्टेप ये आ गया वेंडा द मसल लेफ्ट वेंटिकल जो लेफ्ट वेंटिकल जहां जिसके बाद ब्लड है अभी कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट होगा सिकड़ेगा इन इट्स टर्न अपने टर्न पर द ब्लड इज पंप आउट टू बॉडी तो ब्लड को पंप कर दिया जाएगा बॉडी में यानी यहां से ये जो ब्लड है लेफ्ट वेंटिकल ये पंप कर दिया जाएगा ये पंप कर दिया जाएगा ब्लड को बॉडी में ये तीसरा स्टेप है सिंपल देखिए पहले ऑक्सीजन वाले ब्लड जो थे वो लंग्स के पास थे ऑक्सीजन वाले ब्लड जो है वो लंग्स के पास है लंग्स में ऑक्सीजन वाले ब्लड भेजा लेफ्ट आर्ट्रियम को लेफ्ट ने उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को भेजा लेफ्ट वेंटिकल को और लेफ्ट वेंटिकल ने उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पंप कर दिया हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी में चला गया अब पूरा ब्लड वापस घूम के आएगा ऑक्सीजन देने के बाद तो ये आएगा फोर्थ स्टेप इसको बोलते हैं डीऑक्सीडेंटेड ब्लड डी ऑक्सीडेंटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी बॉडी से वापिस आएगा डी ऑक्सीडेंटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा डी ऑक्सीडेंटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी बॉडी से वापिस आएगा टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट राइट साइड में अपर चैम्बर राइट में जिसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम यानी पूरी बॉडी से वापिस आएगा डी ऑक्सीडेड ब्लड राइट आर्ट्रीएम के पास यानी इसने पूरी बॉडी में ब्लड को पंप किया था अब पूरी बॉडी से ये घूमता हुआ जब ये ऑक्सीजन दे देगा ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचा देगा उसके बाद पूरी बॉडी से ये ब्लड को खींच लेगा राइट आर्ट्रियम ये फोर्थ स्टेप होगा लंग्स से ऑक्सीजन गया लेफ्ट आर्ट्रियम के पास लेफ्ट आर्ट्रियम ने ऑक्सीडेड ब्लड दिया लेफ्ट वेंटिकल को लेफ्ट वेंटिकल ने उस ब्लड को पंप कर दिया हमारी बॉडी में बॉडी के हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच गया अब ये डी ब्लड वापस खींचेगा राइट आर्ट्रियम और राइट right आर्ट्रियम उस ब्लड को कहा भेजेगा राइट right वेंटिकल के पास राइट right आर्ट्रियम उस ब्लड को डी ब्लड को वापिस भेजेगा राइट right आर्ट्रियम के पास तो देखिए फिफ्थ स्टेप आपका यही होने वाला है एज द राइट आर्ट्रीएम कॉन्ट्रास्ट अब जब राइट right आर्ट्रीएम सिकड़ेगा कॉन्ट्रास्ट होगा द क्रोस्पोंडिंग लोअर चैम्बर उसका जो लोअर चैम्बर होगा यानी कि द राइट वेंटिकल ये हो गया राइट वेंटिकल पांचवा स्टेप ये डायलेट करेगा दिस ट्रांसफर ब्लड इससे ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास राइट वेंट्रिकल के पास right ये रहा राइट वेंटिकल पांचवा स्टेप यानी अब ब्लड राइट वेंटिकल के पास आ गया अब सर राइट वेंटिकल क्या करेगा तो राइट वेंटिकल उस ब्लड को वापस ट्रांसफर कर देगा किसको लंग्स को राइट वेंटिकल उस ब्लड को वापस पंप कर देगा किसको लंग्स को क्यों ताकि दोबारा उसे ऑक्सीजन मिल पाए यह था आपका छठा स्टेप चलिए जल्दी से एक बार मैं आपको पढ़ा रहा था वर्किंग ऑफ आर हार्ट हमारा हार्ट कैसे काम करता है इसके छह स्टेप होते हैं फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर टू द लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर दीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंटिकल लेफ्ट वेंटिकल पंप दीज ब्लड इन आवर बॉडी

पंप इट द्वारा पंप कर देता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए एक तो मैंने आपको छह स्टेप बताया ठीक है क्लियर हो गया नाउ एक क्वेश्चन आता है व्हाई वेंटिकल है थिकर मस्कुलर वॉल देखिए आप ध्यान से देखिए ये वाले पार्ट जो होते हैं ना इन्हें वेंटिकल बोलते हैं लेफ्ट वेंटिकल राइट वेंटिकल लेफ्ट वेंटिकल राइट वेंटिकल लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम तो नीचे वाला ये जो वेंटिकल है ना ये जो वेंटिकल आपको दिखाई दे रहा है इनके ना थिकर बॉल होते हैं मोटी दीवारें होती हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है वाई? वेंटिकल की दीवारें मोटी क्यों होती है इनके थिकर बॉल क्यों होते हैं वाई वेंटिकल हैव द थिकर बॉल इनकी दीवारें मोटी क्यों होती हैं बिकॉज इट पंप ब्लड इन टू द बॉडी एट अ हाई प्रेशर ये ब्लड को क्या कर रही है पंप कर रही है बहुत हाई प्रेशर के साथ बॉडी में ब्लड को पंप करती है हाई प्रेशर के साथ इसलिए जो वेंटिकल होते हैं ये जो वेंटिकल होते हैं इनकी दीवारें मोटी होती है क्योंकि इनको बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है हाई प्रेशर के साथ तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि वेंटिकल एप थिकर मस्कुलर बॉल वेंटिकल की दीवारें मोटी क्यों होती हैं सेंस वेंटिकल एप टू पंप ब्लड देखिए सेम आंसर आ गया ना वेंटिकल को ब्लड पंप करना पड़ता है इनटू वेरियस ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन में दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल इसलिए उनकी दीवारें मोटी होती है आर्टरी आर्टरी the के कंपैरिजन ठीक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आर्ट्रियम आर्ट्रियम इनकी दीवारें थोड़ी पतली होती है वेंटिकल वेंटिकल इनके वॉल जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं तो क्यों इनके थिकर वॉल होते हैं बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड इन टू डिफरेंट ऑर्गन इनको ब्लड को पंप करना पड़ता है हाई प्रेशर के साथ डेट्स वाइफ इनके जो वॉल्व होते हैं वो फिकर होते हैं नाउ हमारे एक होता है वाल्व वाल बहुत जरूरी है जानना वाल्व पाया जाता है और ये बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है वाल्व वाल जो होता है वो हमारे क्या होता है कि हर्ट में भी आप हो सकते हो या आप ब्लड वैसा भी हो सकते हो नशे जिसको बोलते हैं उसमें पाया जाता है वाल्व इंश्योर डैट ये इंश्योर करता है कि ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड ब्लड वापस ना आए कहने का मतलब एक बार जब ब्लड पंप हो गया ना एक बार जब ब्लड पंप हो गया तो ये वापस बैक बैकफ्लो ना हो जाए तो बाल्व होता है बाल्व इसको ना वापस नहीं आने देगा ब्लड को वापस नहीं आने देगा अगर इसने ब्लड को नीचे पंप किया है तो ब्लड एक ही डायरेक्शन में जा सकता है वापस नहीं आ सकता वाल्व के कारण तो वाल्व इंश्योर ये इंश्योर करता है ब्लड नॉट फ्लो बैकवर्ड ब्लड जो है वो वापस ना आए द आर्ट्री और वेंटिकल कॉन्ट्रास्ट जब आर्ट्री या वेंटिकल कॉन्ट्रास्ट हो तो ब्लड वापस ना आए यानी अगर ब्लड को एक बार पंप कर दिया तो ये वापस नहीं आना चाहिए तो वाल्व जो होता है वो ब्लड को बैकवर्ड नहीं आने देता तो इसलिए वाल्व होना जरूरी है एज के साथ ये खराब हो जाता है ऑपरेशन तो कहना पड़ता है बच्चों वाल्व के लिए नाउ अगला आते हैं अगर आपने देखा कि हमारे के न, हमारे हर्ट के ना बेसिकली दो पार्ट थे एक थे राइट पार्ट और एक थे लेफ्ट पार्ट है ना राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंटिकल राइट वेंटिकल तो मेजर तो दो ही पार्ट है ना सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हर्ट तो हमारे हर्ट के सेपरेशन हमें फायदा क्या हुआ हमारे हर्ट के चलिए मैं आपको क्लियर एक बार एनसीईआरटी -E भी ले आते हैं भैया आप भी आ जाओ एक बार इनको दिखाई दो बच्चों को आ जाओ प्रभु ये रहे देखिए ये आपके एनसीईआरटी -E बुक में अब देखो दोनों को अलग अलग कलर किया गया है पता है क्यों क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डी ऑक्सीडेटेड ब्लड है दीज आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे आर डी ब्लड एक तो कलर का पता लग गया दूसरा देखिए लेफ्ट लेफ्ट राइट और राइट तो ये जो सेपरेशन है ना लेफ्ट और राइट का इससे हमें एडवांटेज क्या हुआ हमारे बॉडी को फायदा क्या मिला आपको सर फायदा क्या मिलेगा जी हां फायदा मिला एडवांटेज हुआ है नेचर ने अगर कुछ भी किया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हर्ट पहला पहला एडवांटेज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हर्ट टे क्या होता है बच्चों हमारे ऑक्सीजिनेटेड ब्लड और डीऑक्सीटेड ब्लड मिक्स नहीं हो पातेजन तो वाले ब्लड जो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होते तो ये एडवांटेज है चलो जी एक एडवांटेज हो गया कि ऑक्सीडेट और डी ऑक्सीटेड ब्लड मिक्स नहीं होते और क्या एडवांटेज है सच सेपरेशन अलाउ हायर एफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इससे ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाता है हमारी बॉडी में इससे ज्यादा सच सेपरेशन अलाउस हायर एफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी इस सेपरेशन की वजह से हाई एफिशियंट सप्लाई हो पाता है ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में यानी ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाता है सेल को तो हुआ ना दूसरा एडवांटेज तीसरा थर्ड एडवांटेज जी नीड्स जिन एनिमल को बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की नीड्स होती है जैसे ह्यूमन बींग को बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड्स होती है सच एच बर्ड्स मैमल्स हम सब बच्चों मैमल्स में आते हैं हम सब मैमल्स में आते हैं सारे एनिमल मैमल्स में आते हैं तो बर्ड्स और मैमल्स जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है विच स्टेंटली यूज एनर्जी जो लगातार एनर्जी का यूज करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमने भी तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एट एन एवरेज ये होता है हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर तो यह हमने मेंटेन कर रखा है क्यों मेंटेन कर रखा है क्योंकि हमारे ऑक्सीटेड ब्लड और डी ऑक्सीटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो पाते तो ये एडवांटेज है कि हमारे हर्ट के जो लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट है इन दोनों के सेपरेशन से एडवांटेज क्या हुआ फायदा क्या हुआ हमारी बॉडी को तो पहला एडवांटेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ब्लड से मिक्स नहीं हो पाते सेकेंड एडवांटेज इससे हाई एफिशिएंट ऑक्सीजन का पहुंच पाता है हमारी बॉडी में थर्ड एडवांटेज जिन ऑर्गेनिज्म को जिन एनिमल को हाई एनर्जी की नीड्स होती है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं क्योंकि उनके ऑक्सीजट और डिओक्शन आपस में मिक्स नहीं हो पाते तो अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड के डेपरेशन सेपरेशन से एडवांटेज क्या हुआ तो ये तीन एडवांटेज आप लिख सकते हो नाउ व्हाट इज डबल सर्कुलेशन दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन क्या होता है डबल सर्कुलेशन जानने के लिए मैं एक बार वापिस चाहता हूं कि आप एक बार डायग्राम को ना एक बार क्लीनली एक बार फिर से देखो एक बार देख लो मेरे कहने पर एक बार बताओ ये था डायग्राम हुआ क्या था सर जी लंग्स से जो हमारा लंग्स था उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो गया था वो लेफ्ट आर्ट्रीएम के पास गया था लेफ्ट आर्ट्रियम ने उस ब्लड को भेजा लेफ्ट वेंटिकल को लेफ्ट वेंटिकल ने उस ब्लड को भेजा बॉडी में बॉडी से वापस गया राइट आर्ट्रीएम के पास राइट आरट्रियम से राइट वेंटिकल के पास और राइट वेंटिकल ने वापस पंप कर दिया लंग्स में यानी लंग्स में ब्लड था और घूम फिर के वापस ही लंग्स में आ गया तो ब्लड पूरे एक साइकिल में लंग्स में दो बार गया ना एक तो पहले से ही था और एक बार घूम के वापिस गया तो जब ब्लड पूरे एक साइकिल में लंग्स के अंदर दो बार आए जब हमारा ब्लड पूरे एक साइकिल में लंग्स के पास दो बार आए तो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ठीक है डायग्राम से समझोगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है ब्लड गोस थ्रू द हर्ट जो ब्लड है वो हमारे हर्ट से जाता है ट्वाइस दो बार डूरिंग ईच साइकिल हर एक साइकिल में इन बर्टिबेट्स बर्टिबेट जैसे ऑर्गेनिज्म में हम लोग बर्टिब्रेट्स में आते हैं हम लोगों जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है ना उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं ब्लड गोज थ्रू द हर्ट ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है ट्वाइस दो बार ड्यूरिंग ईच साइकिल हर एक साइकिल में इन बर्टिब्रेट बर्टिब्रेट के अंदर दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन इसी को बच्चों डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल जिसको नस बोलते हैं ना तो ब्लड वेसल हमारी बॉडी में तीन होती है आर्ट्रीज स और कैपलरीज यह आएगा अगले पेज पर कैपलरीज सो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल हमारे बॉडी में तीन प्रकार की नसें होती हैं तीन प्रकार के ब्लड वेसल होते हैं दे आर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल फर्स्ट आर्टरीज आर्टरीज क्या करती है आर्टरीज आर द वेसल आर्टरीज वो वेसल्स होती है विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हर्ट जो हर्ट से ऑक्सीजेड ब्लड ले जाती है टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी अलग अलग ऑर्गन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है ना वो आर्ट्रीज होती, होती है जो डी ऑक्सीडेट ब्लड को वापिस लाती है ब्लड ये डी ऑक्सीडेंट ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन से एंड ब्रिंगिंग इट बैक और वापिस लाती है टू द हर्ट हर्ट के पास समझिए डायग्राम ये? ये से समझिए ये. ये ऑक्सीडेड ब्लड ब्लड में गया था ना ऑक्सीडेंट ब्लड बॉडी में गया था जो ऑक्सीडेंटेड ब्लड बॉडी में गया था ये आर्टरीज लेके आ गया था और पूरी बॉडी से जो ब्लड डिऑक्सीड ब्लड खींच के लाया था ये वीन्स का काम है आर्टरीज का काम है ऑक्सीडेड ब्लड को ले जाना वीन्स का काम है डी ब्लड को वापस लाना आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीडेंटेड ब्लड को बॉडी में ले जाता है और वीन्स वो ब्लड वेसल होती है जो पूरी बॉडी में से डी ब्लड को खींच के वापिस लाता है लड़ हो गया अब आप हो गए फिर कैपिलरीज क्या होती है तो कैपिलरीज आर्टरीज का ही पार्ट होती है अब आर्टरीज क्या है बहुत मोटी होती है आर्टरी जो है ना बहुत मोटी होती है तो ये छोटे-छोटे धाराओं में छोटे-छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है तो इनको कैपिलरीज कहते हैं ठीक है द स्मॉलेस्ट वेसल ये सबसे स्मॉलेस्ट वेसल होती है वॉल्स व्हिच आर वन सेल थिक जो एक सेल के थिक के समान होता है ये इतना जो स्मॉलेस्ट वेसल है इसकी जो दीवारें होती है ना वो एक सेल की मोटाई के बराबर होता है कॉल इनको capillaries कहते हैं एक्सचेंज ऑफ मेटीरियल मेटीरियल हो मेटीरियल क्या होगा ऑक्सीजन को दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा तो एक्सचेंज ऑफ मेटीरियल बिटवीन द ब्लड ब्लड में जो एक्सचेंज ऑफ मेटीरियल होता है सराउंडिंग से सराउंडिंग सेल्स से टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल वो सब कैपिलरीज ही करता है चलिए मैं आपको समझाता हूं ये कौन है आर्टरीज अब आर्टरीज बहुत मोटी होती है थिक होती है ये हर एक पार्ट तक नहीं जाता तो आर्टरीज क्या करती है छोटे छोटे ब्लड वेसल में बढ़ जाती है तो आर्टरीज के जो छोटे छोटे ब्लड वेसल है दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज ये मैंने पता ना स्मॉलेस्ट वेसल होती है बहुत स्मॉलेस्ट होती है वन सेल थिक होता है ले कैपिलरीज कहते हैं सारा एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल जो होता है ब्लड सेल और सराउंडिंग सेल से यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना और ऑक्सीजन को वहीं पे छोड़ देना इसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ ये यहीं पर होता है यानी कैपिलरीज ही सारा काम करता है ठीक है तो तीन टाइप के आपको समझ में गए ब्लड वेसल आर्टरीज आर्टरीज क्या करता है ऑक्सीजन ब्लड को बॉडी में ले जाता है वीन्स क्या करता है डी ब्लड को बॉडी से वापस हर्ट में लाता है ठीक है और कैपिलरीज क्या करता है तो आर्टरी छोटे छोड़ छोटे फैसन में बढ़ जाते हैं इनको कैपिलरीज कहते हैं यही कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है कैपिलरीज नाउ प्लेटलेट्स क्या होता है ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हो याद कीजिए मैंने कहा था ना आपको पढ़ाऊंगा टाइम आने पर तो अब आ गया प्लेटलेट्स व्हाट इज प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्या होती है प्लेटलेट्स किसे कहते हैं द ब्लड हैज प्लेटलेट्स याद कीजिए ब्लड में एक कॉम्पोनेट था प्लेटलेट्स तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट सेल होता है च सर्कुलेट अराउंड द बॉडी जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड प्लग दीज लीक्स और लीक्स को प्लग कर देता है रोक देता है बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड ब्लड की क्लॉटिंग करके अगर चोट लग जाए आपको कहीं चोट लग जाए इंजरी हो जाए तो ब्लड लीक होगा ना तो उस लीक को बंद कर देता है ब्लड की क्लॉटिंग करके उस लीक को बंद कर देता है एट द पॉइंट ऑफ इंजरी इंजरी की जगह पर ब्लड के अंदर प्लेटलेट सेल होता है जो कि सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में और ये प्लग कर देता है रोक देता है लीक को अगर कोई इंजरी हो जाए आपको और ब्लड लीक हो रहा है तो उसको प्लग कर देता है क्योंकि ये है क्योंकि हेल्प करता क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में रक्त का थक्का जमाता है ब्लड की क्लॉटिंग करता है यानी मान लो किसी को चोट लग गया आपके हाथ में चोट लग गया गलती से और अगर आप उस पर कपड़ा रख दोगे ना तो थोड़ी देर बाद अपने आप ब्लड बनना बहना बंद हो जाएगा क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड अपने आप को रोक लेता है ज्यादा बाहर निकलने से अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो सारा ब्लड बेहतर चला जाएगा हमेशा के लिए तो ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से हमारा ब्लड ज्यादा बाहर नहीं आता और ब्लड में प्लेटलेट्स होता है जो ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू फ्लूड जिसको लिम्फ भी कहते हैं टिश्यू फ्लूड और लिम्फ टिश्यू फ्लूड को ही लिम्फ कहते हैं दो नाम है इसके या तो आप टिश्यू फ्लूड जान सकते हो या लिम्फ दोनों एक ही चीज है थ्रू द पोर्स पोर्स मतलब होते हैं छोटे छोटे छिद्र थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन दॉल ऑफ कैपिलरीज जो मैंने आपको ब्लड वेसल बताया था तो उन कैपिलरीज के वॉल में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं आप ऐसे कैपिलरीज हैं इन कैपिलरीज के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं छोटे छोटे कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे बहुत स्मॉल लाइक टेनी लाइक पोर्स होते हैं तो इन पोर्स के द्वारा सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा कुछ प्लाज्मा ब्लड में से कुछ प्लाज्मा कुछ प्रोटीन एंड कुछ ब्लड सेल भी स्कैप हो जाते हैं बाहर निकल आते हैं इंटू इंटर सेलूलर स्पेस और खाली जगहों में आ जाते हैं यानी ये जो ब्लड वेसल है ना जो ब्लड को कैरी कर रहा है ये जो कैपलरीज है कैपलीज याद ना आपको अभी बताया था ऊपर ये रहा कैपलरीज याद होगा आपको कैपलीज तो ये ब्लड को लेके जा रहा है अब इन कैपलीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन पोर्स से प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल बाहर आ जाता है और ये खाली जगहों में भर जाता है और ये मिलकर ये तीनों मिलकर यानी प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल ये सब मिलकर ये टिश्यू बनाता है और इसी टिश्यू को हमने टिश्यू फ्लू या लिम्फ का नाम दिया लिम्फ कैसे बनता है जो पोर्स प्रेजेंट होता है कैपिलरीज में उस कैपलरी से प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल बाहर आ जाते हैं इंटरसेलर स्पेस में उससे जो टिश्यू बनता है उस टिश्यू को हमने टिश्यू फ्लूड या लिम्फ का नाम दे रखा है यह टिश्यू फ्लूड कलरलेस होता है और एंड कंटेन लेस प्रोटीन और थोड़ा बहुत इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है फंक्शन क्या है लिम्फ करता क्या है तो लिम्फ एक ऐसा टिश्यू है जो कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट ये डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरीज करता है इन फॉर्म इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्टेड फैट को पूरी बॉडी में कैरी करने का काम लिम्फ का है क्लियर हो गया लिम्फ के बारे में आपने जान लिया लिम्फ जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ द कैपलरीज जो पोर्स वॉल ऑफ कैपलरीज में मौजूद होते हैं इससे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल बाहर आता है इंटरसेल स्पेस में उसे एक टिश्यू बनता है उस टिश्यू को टिश्यू फ्लूड या लिम्फ कहते हैं यह लिम्फ कलरलेस होता है और उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी पाया जाता है लिम्फ करता क्या है तो कैरिज करता है डाइजेस्टन एब्जॉर्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अगर हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें बच्चों तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन दो चीजों का अलग अलग प्रकार से होता है प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अलग प्रकार से होता है और प्लांट में फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन अलग प्रकार से होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं फर्स्ट पार्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है सेकेंड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है तो पहले हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से किया जाता है तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है तो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम टिश्यू और ट्रांसपीरेशन ये दोनों मिलकर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट के अंदर एट द रूट्स रूट्स में सेल इन कॉन्टेक्ट विथ सॉइल जो सॉइल के कॉन्टेक्ट में सेल आते हैं वो एक्टिवली टेक अप आयन उनके अंदर आय का डिफरेंस होता है दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन जिसके कारण आयन के अंदर डिफरेंस पैदा होता है क्या कहना चाहते हो सर जी देखिए ये रूट्स है ठीक है ये रूट्स है रूट्स के जो सेल हैं इसके अंदर लो कंसंट्रेशन है लो कंसंट्रेशन है और ये वाटर है यहां पर हाई कंसंट्रेशन है क्योंकि पानी ज्यादा है तो सेल जो है जो रूट्स के सेल है उसमें तो लो कंसंट्रेशन है पानी के पास हाई कंसंट्रेशन है तो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा आपको याद होगा ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस नाइन्थ था क्लास में तो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा यानी पानी जाएगा प्लांट के रूट्स के सेल के पास ठीक है यह कहने का मतलब था रूट्स में सेल इन कॉन्टेक्ट विथ सॉइल जो सेल सॉइल के कॉन्टेक्ट में एक्टिवली टेक अप वो उसके अंदर आय पाए जाते हैं दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन जिसकी वजह से आयन का कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है यहां हाई कंसंट्रेशन है आयंस का या लो कंसंट्रेशन है आयट्वीन द रूट एंड द सॉइल रूट्स में और सॉइल में देर फोर वॉटर जो होता है मूव करता है इन टू द रूट वॉटर मूव करेगा रूट की तरफ द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस दिस मीन्स डेट देयर इज स्टडली मूवमेंट ऑफ वॉटर वॉटर का स्टडली मूवमेंट होता है रूट्स के अंदर और जैसे ही पानी रूट्स में काम आ जाता है तो ज़ाइलम एक क्रिएटिंग कॉलम जाइलम टिश्यू क्या करता है कॉलम क्रिएट करता है और वाटर पानी का डेट इज स्टिडली पुस्ट अपवर्ड जो वाटर को ऊपर की तरफ पुश करता है सिंपल भाषा में समझिए रूट्स में इस रूट्स में जो सेल है ना उसका लो कंसंट्रेशन है और जो सॉइल है जिसमें वाटर है उसका हाई कंसंट्रेशन है तो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा कहता है ऐसा तो चलो पानी जो पहुंच गया किसके पास तो रूट्स के सेल के पास अब जैसे ही रूट के सेल के पास वाटर ये पहुंच जाता है तो जाइलम टिश्यू एक्टिव हो जाता है और जाइलम टिश्यू से अपवर्ड ऊपर की तरफ पुश करता है वाटर को ये कहना चाहते हैं इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो जाइलम टिश्यू है वो एक कॉलम क्रिएट करता है वाटर का जो स्टडली अपवर्ड मूव करता है ऊपर की तरफ भेजता है कि भाई वाटर तुम ऊपर जाओ क्योंकि जाइलम टिश्यू का काम यही है, है वाटर को अपवर्ड की तरफ धकेलना ऊपर की तरफ धकेलना रूट्स में सेल कॉन्टेक्ट होता है सॉइल के जो आयंस को टेकअप करते हैं इससे डिफरेंस पैदा होता है कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस का रूट्स में और सॉइल के बीच में वाटर इसलिए मूव करता है रूट्स के पास सॉइल से ताकि इस एलिमिनेट को डिफरेंस को खत्म किया जा सके दिस मीन्स इसका यह मतलब हुआ कि स्टडली मूवमेंट होगा वाटर का रूट्स की तरफ और जाइलम टिश्यू क्रिएट करेगा कॉलम वाटर का जो ऊपर की तरफ मूव करेगा अब ट्रांसपीरिशन क्या होता है ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन वाटर और मिनरल्स के अपवर्ड मूवमेंट में ट्रांसपरेशन हेल्प करता है डिजोल्व इन इट फ्रॉम रूट टू द लीव रूट्स ए लीवस में क्या होता है इसमें कि जो सन है जब सन की सनलाइट इस पे पड़ेगी जब सन की सनलाइट इस पे पड़ेगी तो सन क्या करेगा वाटर को अपनी तरफ खींचेगा जब सन की सनलाइट प्लांट पे पड़ेगा तो हीट के कारण गर्मी के कारण वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा ठीक है इससे वाटर अपवर्ड मूव होने लगेगा एक तो जायम टिश्यू पहले से उसे अपवर्ड मूव कर रहा था और सनलाइट की वजह से वाटर और ज्यादा अपवर्ड मूव होने लगता है तो ट्रांसपीरेशन भी हेल्प करता है वाटर के मूवमेंट में तो अगर ट्रांसपोर्टेशन वाटर है प्लांट में तो दो लिखेंगे एक बाई साइलेंट टिश्यू द्वारा और एक ट्रांसपीरेशन द्वारा दो चीजों के कारण वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है प्लांट के अंदर नाउ मैंने आपसे कहा था फूड और अदर सब्सटेंसेस भाई फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ द फोर्टोसिंथेसिस फोर्टोसिंथेसिस में जो सोल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है यानी फूड बनाता इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू और ये किसके द्वारा होता है तो वस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है जिसको बोलते हैं फ्लोएम यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू करता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है जाइलम टिश्यू फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है तो फ्लोएम टिश्यू नाउ पॉइंट नंबर टू देखिए बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस में जो बन रहा था उसके अलावा द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड जो फ्लोएम है वो एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है और अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है इट मीन्स फ्लोएम टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बना था उसको तो ट्रांसपोर्ट करता ही है बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटो सिंथेसिस के अलावा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड और दूसरे सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों एक बात ध्यान रखना ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोल्यूबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का उसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है यानी फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन भी बोला जाता है और ये कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय फ्लोएम टिश्यू फ्लोएम टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड प्रोडक्ट को उसको ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं सेकेंड पॉइंट हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावा ये अमीनो एसिड और दूसरे सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम टिश्यू नाउ नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग सेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गेन अब यह फ्लोएम टिश्यू क्या करता है ये जो ट्रांसपोर्ट करता है ना ये डिलीवर कहां पर करता है स्टोर कहां पर करता है तो इन सभी सबस्टेंसेस को स्पेशली डिलीवर किया जाता है स्टोरेज ऑर्गेन के पास ऑफ रूट्स वो स्टोरेज ऑर्गेन रूट हो सकता है फ्रूट हो सकता है एंड सीड्स हो सकता है यानी फ्लोएम टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है फूड प्रोडक्ट को उसको रूट्स में फ्रूट्स में और सीड्स में स्टोर किया जाता है या फिर जो ग्रोइंग ऑर्गन होते हैं जो ग्रोइंग टिप होते हैं जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहां पर इन चीजों को स्टोर किया जाता है फोर्थ पॉइंट द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब अभी जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड और अदर सब्सटेंसेज का वो सीव ट्यूब में होता है सीव ट्यूब याद है आपको सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पेरन कायमा फ्लोएम फाइबर ये वर्ड आपने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में जहां पे था फ्लोएम टिश्यू के टाइप्स तो फ्लोएम टिश्यू के चार कैटेगरी में बांटा जाता है फ्लोएम टिश्यू के चार पार्ट्स होते हैं सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पेर कायमा फ्लोएम फाइबर तो ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है फूड और अदर सब्सटेंस का ये कहां पे होता है ये सीव ट्यूब होता है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कंपेनियन सेल कंपेनियन सेल की मदद से ट्यूब में ट्रांसलोकेशन किया जाता है बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ये जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का ये अपवर्ड मूव भी कर सकता है यानी फ्लोएम टिश्यू अपवर्ड मूव भी कर सकता है और फ्लोएम टिश्यू डाउनवर्ड मूव भी कर सकता है जबकि जाइलम में क्या करता वाटर केवल ऊपर जा रहा था वन डायरेक्शन था वाटर जो होता है वो केवल ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू केवल अपवर्ड पुश कर सकता है जबकि फ्लोएम टिश्यू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है तो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन में आपने क्या क्या पढ़ा प्लांट के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें हमने जाना कि जो सोल्यूबल प्रोडक्ट होता है का उसके ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है और ये फ्लोएम टिश्यू करता है और फोर्टोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावा ये अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है उसके बाद मैंने आपको बताया ये डिलीवर कहां करता है इन चीजों को तो ये डिलीवर करता है रूट्स में फ्रूट्स में सीड्स में या फिर ग्रोइंग पार्ट्स में लास्ट पॉइंट हमने जाना कि जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड और अदर सब्सटेंस का वो कहां पे होता है तो सीव ट्यूब में होता है और इसकी मदद करता है कंपेनियन सेल बहुत अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है फ्लोएम टिश्यू अगला पार्ट आता है बच्चों द एक्सक्रिएटिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग द एक्सक्रिएटिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग आपके एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना ये डायग्राम जो है एक्सक्रिएटिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग का है इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना बेसिकली जो एक्सक्रिएटिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग का उसके बेसिकली चार पार्ट होते हैं या आप कह सकते हो कि चार मेजर पार्ट होते हैं क्योंकि पार्ट तो बहुत सारे होंगे बट टेंथ लेवल पर हमें चार पार्ट पढ़ना है पहला अ पेयर ऑफ किडनी अ पेयर ऑफ किडनी का मतलब एक जोड़ा किडनी होता है दो किडनी पाए जाते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड अ पेयर ऑफ यूटरस दो यूटरस होते हैं जो कि किडनी से कनेक्ट होता है अ यूनिब्लेडर एक यूनिब्लेडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन के एक्सक्रिएटिव सिस्टम में बेसिकली चार मेजर पार्ट होते हैं अ पेयर ऑफ किडनी अ पेयर ऑफ यूटरस आई यूनिब्लेडर एंड अ यूरेथ्रा मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं तो डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर जाना लेबलिंग के साथ बहुत ज्यादा डायग्राम आता है ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये आपका किडनी है ठीक है लेफ्ट और राइट और अपेयर ऑफ किडनी दो होगा किडनी उसके बाद हमने बात की थी यूरेटर की तो ये जो ट्यूब आप देख रहे हो पतला सा ट्यूब आप देख रहे हो नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं यूरेटर ये यूरेटर है जो पतला सा ट्यूब है यूरेटर है इसे बोलते हैं यूनिडी ब्लेडर देखिए यूनडी ब्लेडर और लास्ट पार्ट उसे बोलते हैं यूरेथ्रा तो ये चार मेजर पार्ट होते हैं किडनी यूरेटर यूनडी ब्लेडर यूनडी ब्लेडर किडनी यूरेटर यूनिब्लेटर यूरेथ्रा ये दो किडनी है दो आप देख सकते हो दो ट्यूब है इन दोनों ट्यूब को यूरेटर कहते हैं वन यूनिबलेटर है और लास्ट आपका यू, यूरेथ्रा है तो चार मेजर पार्ट है इनके अलावा आप चाहो तो इन पार्ट को भी कर लेना इन पार्ट को भी कर लेना ये जो आपको रेड पार्ट दिखाई दे रहा है इसको एरोटा बोला जाता है इसके अलावा जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है इसको लेफ्ट रेनल वीन बोलते हैं उसके अलावा लेफ्ट रेनल आर्टरी भी होती है और विनय कावा भी पाया जाता है ये ब्लू पार्ट तो ये पार्ट भी है बट एक्सक्रिटिव सिस्टम के चार मेजर पार्ट है आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ यहां पे चाहो तो आप पढ़ लेना कि चार मेजर पार्ट्स होते हैं जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं तो इन चारों की लेबलिंग और इन चारों के थोड़े थोड़े फंक्शन जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वाले टॉपिक में जब हमारा नेक्स्ट पेज पर आएगा ये वाला आएगा ना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूफ्रॉन इसमें इन सबके फंक्शन आ चुके होंगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ एक्सक्रिएटिव सिस्टम वर्क हमारा एक्सक्रिएटिव सिस्टम काम कैसे करता है हाउ एक्सक्रिएटिव सिस्टम वर्क हमारा एक्सक्रिएटिव सिस्टम काम कैसे करता है यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी में पास थ्रू द यूरेटर यूरेटर से पास होता है फिर वो यूनडी ब्लेडर तक पहुंचता है वेयर इट इज स्टोर जहां पर इसको स्टोर किया जाता है एक एक बूंद स्टोर होता है यूनडी ब्लेडर में टिल इट इज रिलीज और फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है यूरेथ्रा से। इट मीन किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और इसमें जितने भी नाइट्रोजियस वेस्ट होते हैं नाइट्रोजियस वेस्ट को ये फिल्टर कर देता है ब्लड में से हम सिंपल बोल सकते हैं यूरिन को इकट्ठा करता है यूरिन को अलग कर लेता है ब्लड में से यूरिक एसिड जो किडनी हमारी वो ब्लड को फिल्टर करता है ब्लड में जो यूरिक एसिड वगैरह पाई जाती है उन सबको फिल्टर करने का काम किडनी का है अब किडनी देखो किडनी ने क्या करा तो चीजों को फिल्टर कर लिया इसने फिल्टर कर दिया इसने ब्लड को फिल्टर करा यूरिक एसिड को उसके बाद ये दोनों ट्यूब है जो आपको दो ट्यूब दिखाया था ये दोनों ट्यूब है ये आपका यूरेटर ये ये उस यूरिक एसिड को यानी नाइट्रोजन वेस्ट को नीचे लाएगा ये दोनों ट्यूब है जिसका काम है

वो फिल्टर करे हुए यूरिक एसिड को नीचे लाते हैं यूनिब्लेडर एक एक बोन यूरिक एसिड को इकट्ठा करता है यूरेथ्रास को बॉडी के बाहर निकाल देता है तो यही चीज यहां पर समझाया गया है यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी के अंदर ये यूरेटर द्वारा यूनिब्लेडर तक पहुंचाया जाता है यूनि ब्लेडर इन सबको स्टोर करती है और फिर से उसको बॉडी के बाहर निकाल देते हैं हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है यूरिन कैसे बनता है नाइट्रोजियस सच एज यूरिया और यूरिक एसिड नाइट्रोज वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड ये बच्चों हमारे ब्लड में पाए जाते हैं जो हम खाना खाते हैं ना उस ब्लड के अंदर जो फूड है उसके अंदर पाया जाता है वेस्ट जो हमारे ब्लड में मिल गया तो नाइट्रोज वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड जिसे ब्लड से रिमूव कर लिया जाता है किडनी के अंदर बता चुका हूं मैं आपको ऊपर किडनी के अंदर हम क्यों कौन रिमूव करता है ये भी आगे बताऊंगा नेफ्रॉन बोलते हैं उसको तो किडनी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन नेफ्रॉन क्या करता है ब्लड को फिल्टर करता है किडनी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन नेफ्रॉन क्या करता है ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड में से सारे नाइट्रोजन वेस यूरिया यूरिक एसिड इन सबको अलग कर लेता है अलग कर लिया जी ठीक है अब ईच किडनी एक किडनी में है लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कई सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं उन्हीं को नेफ्रॉन कहते हैं जो मैं आपको बता भी रहा था हर एक किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट पाया जाता है जिनको नेफ्रॉन बोला जाता है ये बिल्कुल पैक्ड होते, है, होते हैं क्लोजली क्लोजली एक दूसरे के बिल्कुल पैक्ड पैक्ड होते होते हैं हैं टाइटली तो मिलियन नेफ्रॉन है हमारे किडनी के अंदर जो लगातार ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं और ब्लड में से यूरिया यूरिक एसिड नाइट्रोजन बेस को रिमूव कर रहे हैं सम सब्सटेंसेस कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं इनिशियल फिल्ट्रेशन में सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेशन सच एज ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वॉटर आर सिलेक्टिवली री एब्जॉर्ब क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जैसे कि जब सबसे पहले फिल्टर होता है ना स्टार्टिंग फिल्ट्रेशन होती है स्टार्ट होती है इनिशियल फिल्ट्रेशन मतलब शुरुआत में जब फिल्ट्रेशन शुरू होता है नेफ्रॉन जब स्टार्ट करता है फिल्टर करना तो कुछ सब्सटेंसेज जैसे कि ग्लूकोज हो गया एमिनो एसिड हो गया सॉल्ट हो गया बहुत सारा वाटर हो गया इसको रीऐब्सॉर्व कर लिया जाता है एज द यूरिन फ्लो एल द ट्यूब जब यूरिन फ्लो करती है ट्यूब में तो इन सबको यानी ग्लूकोज को एमिनो एसिड को सॉल्ट को, को और बहुत सारे वाटर को रि कर लिया जाता है जब यूरिन फ्लो करती है ट्यूब के अंदर तो अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है ना कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है यूरिन कैसे बनता है हमारी बॉडी में तो आपको बताना है कि किडनी किडनी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन और यही नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है ब्लड को फिल्टर करके ये रिमूव कर देता है वेस्ट को यूरिया को यूरिक एसिड को इन सबको फिल्टर कर लेता है सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि हर एक किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट पाई जाती है जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है जो क्लोजली पैक्ड होती है जब इनिशियल फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट बहुत सारा वाटर रीअबॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी द्वारा जब यूरिन पास होती है ट्यूब में तो बॉडी इन सबको रीअब्सॉर्ब कर लेती है वापस ले लेती है ठीक है एवं कुछ ही पार्ट यूरिन का बन पाता है जो हम तीन घंटे चार घंटे पांच घंटे बाद बॉडी से रिलीज करते जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाना चाहूंगा क्योंकि डायग्राम भी कई बार आ चुका है ये देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये तो इसकी लेवरिंग जरूर याद कर लेना इसकी लेबलिंग जो आप देख रहे हो ना ये ये लेबलिंग जरूर याद कर लेना ये लेबलिंग है इसकी ये जरूर करके जाना एक बार प्रैक्टिस कर लेना द, बनाने के लिए तो बहुत कम आता है कभी देखा नहीं मैंने बनाने के लिए बट इसकी लेबलिंग बहुत ज्यादा आती है आपको बना हुआ दे, दे देंगे आप सब पूछ लेंगे कि भाई कलेक्टिंग डक कौन है ये कलेक्टिंग डक है ट्यूबलर पार्ट कौन है नेफ्रॉन का ट्यूबलर पार्ट इसको बोलते हैं ठीक है ब्रोमन कैप्सूल कौन है तो इसे बोलते हैं ब्रोमन कैप्सूल ब्रांच ऑफ रेन आर्टरी बोलते हैं इसको ब्रांच ऑफ रेन वीन बोलते हैं ब्लू वाला जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है ये जो ब्लू के बिल्कुल बगल में उसको कैपलरीज बोलते हैं तो ये लेवलिंग है ये जरूर करके जाना हालांकि मैं इनका फंक्शन आपको समझा देता हूं नोट्स में इसका फंक्शन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेके आया हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वन बाय वन इसका फंक्शन पड़ेंगे नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी मैं आपको पहले बता चुका हूं नेफ्रॉन क्या है एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन करता क्या है तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सर ये ब्लड को फिल्टर करता है टेक प्लेस इन ब्रामन कैप्सूल जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो ब्रामन कैप्सूल में होता है फ्रॉम द कैपलरीज ऑफ गिलो जो कैपलरीज होते हैं जो ब्रमन कैप्सूल के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है कैपलरीज के द्वारा कैपिलरीज से ऑफ ग्लोमरूल्स यानी अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है क्या काम करता है तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ब्लड को फिल्टर करता है कहां फिल्टर करता है तो ब्रोमन कैप्सूल में किससे फिल्टर करता है तो कैपिलरीज से फिल्टर करता है जो कैपिलरीज होते हैं किसके ग्लोमिलुरूल्स ग्लोमिल्स के जो कैपिलरीज होते हैं उससे ब्लड जो ब्रोमन कैप्सूल होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है द फिल्ट्रेट पास इन टू द ट्यूब्यूलर पार्ट जो फिल्टर करा गया है वो ट्यूबुलर पार्ट में प्रवेश करता है नेफ्रॉन के जो फिल्टर किया गया है ना ब्लड को फिल्टर किया द फिल्ट्रेट पासिस जो फिल्टर किया गया है पार्ट वो पास होता है इन टू द ट्यूबुलर पार्ट वो ट्यूबुलर पार्ट में आता है नेफ्रॉन के दिस फिल्ट्रेट कंटेन इस फिल्ट्रेशन में क्या क्या होता है तो ग्लूकोज होता है एमिनो एसिड होता है यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है सॉल्ट होता है वॉटर होता है तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी ये सब देखो ये सब फिल्टर हो गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी ग्लूकोज को एमिनो एसिड को और सोल्ट को वाटर को रिअब्सॉर्ब कर लेगी क्योंकि तो बॉडी को इन सबकी जोत है जबकि यूरिया यूरिक एसिड वगैरह को नहीं करेगी इनको आगे आगे जाने देगी भाई तुम जाओ फिल्ट्रेशन होने के बाद तो तो अगर नेफ्रॉन आता है आप इतना भी लिखोगे सिंपल इतना भी लिख दोगे ना फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन द ब्रामन कैप्सूल यह ब्राह्मन कैप्सूल के अंदर ब्लड को फिल्टर करता है कहां से फिल्टर करता है तो कैप्लरीज से फिल्टर करता है और यह फिल्ट्रेट पास होता है जब ये आगे जाता है ट्यूबुलर पार्ट्स में नेफ्रॉन के तो यहां पर क्या होता है कि ग्लूकोज पाया जाता है एमिनो एसिड पाया जाता है यूरिया यूरिक एसिड सोल्ट और वाटर अब हमारी बॉडी ग्लूकोज एमिनो एसिड सोल्ट और वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी वापस ले लेगी लेकिन यूरिया यूरिक एसिड को आगे जाने देगी क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है तो यही आ गया री एब्जॉर्बन एज द फिल्ट्रेशन फ्लो अलोंग द ट्यूब्यूल जब ये फिल्ट्रेशन आगे जाता है ट्यूब्यूल के बाद तो यूजफुल सब्सटेंस जो यूजफुल सब्सटेंस होगा यूजफुल सब्सटेंस कौन जैसे कि ग्लूकोज अमीनो एसिड सोल्ट वाटर अभी आपको बताया था ये यूजफुल सब्सटेंस सब्सटेंस है ग्लूकोज अमीनो एसिड सोल्ट और वाटर यूजफुल सब्सटेंस है ये हमारी बॉडी की नीड है तो इसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा सिलेक्टिवली रीएब्सोर्ब इनको रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा इन टू द ब्लड ब्लड में वापिस बाई कैपलरीज कैपलीज इनको रीअब्सॉर्ब करेगी वापिस ले लेगी सराउंड नेफ्रॉन ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से ना इन सबको वापस ले लेगी क्या क्या वापस ले लेगी ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट वाटर इन सबको रीअब्सॉर्ब कर लेगी वापिस ले लेगी जो कैपलरीज होंगे वो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से इन चारों को वापस खींच लेगी कि भाई वापस आ जाओ क्योंकि बॉडी की इनकी जोत है नीड है इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन अब बचा क्या तो दो चीज बची यूरिया और यूरिक एसिड अब दोजी बची ना या तो यूरिया यूरिक एसिड ये हमारे नाइट्रोजन बेस है तो यूरिन द फिल्ट्रेट विच रिमेन आफ्टर री एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन के बाद जो बच गया क्या बच गया तो यूरिया बच गया और यूरिक एसिड बच गया ये दोनों मिलकर यूरिन बनाते हैं फिल्टरेट विच रिमेन आफ्टर रीएबॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन के बाद जो बच गया उसको ही यूरन कहते हैं तो ये दोनों मिलकर बच्चों बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं यूरिया और यूरिक एसिड जल्दी से मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है नेफ्रॉन एक बेसिक नेफ्रॉन एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का ये नेफ्रॉन की डेफिनेशन है ठीक है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी फंक्शन क्या है सर इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ब्लड को फिल्टर करना कहां फिल्टर होता है तो ब्रामन कैप्सूल में फिल्टर होता है कहां से फिल्टर होता है तो कैपलरीज से फिल्टर होता है ये फिल्टर होने के बाद कहां पास होता है तो ट्यूबुलर पार्ट्स में जाता है ट्यूबुलर पार्ट्स में गया तो ट्यूबुलर पार्ट में कि जो फिल्टर होकर क्या गया, वो क्या क्या गया तो उसमें ग्लूकोज होता है एमिनो एसिड होता है यूरिया होता है यूरिक एसिड होता है सोल्ट होता है वॉटर होता है अब हमारी बॉडी देखती है कि भाई ग्लूकोज एमिनो एसिड सोल्ट एंड वॉटर ये तो बड़े काम की चीज है इनको वापस खींचो इनको जाने दो तो अब होता है रीअब्जॉर्ब तो एज द फिल्ट्रेशन फ्लो अलोंग द ट्यूब्यूल जब ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेशन आगे जाती है यानी सब सारी चीजें जब आगे जाती है तो यूजफुल सब्सटेंस को जैसे कि ग्लूकोज को एमिनो एसिड सोल्ट और वॉटर को रिअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में पलीस से वापस खींच लिया जाता है जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल होते हैं वो कैपलीस क्या करती है वापस खींच लेती है क्योंकि यूजफुलट तो तो के बाद के बाद यूरी तो विच रिमेन्ड आफ्टर री ऑब्जॉप के बाद जो फिल्ट्रेट बचा उसी से यूरिन बनता है विच इज यूरिया और यूरिक एसिड ठीक है नाउ बहुत एंड में आ चुके हैं हम अब हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सक्रिएशन इन प्लांट प्लांट का एक्सक्रिएशन कैसे होता है हमारी बॉडी में एक्सक्रिए पार्ट है. है. होते हैं एक्सक्रिएशन करने के लिए वो अलग अलग मैथड को यूज करती है कैसे दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर वो अपने एक्सेस वाटर को निकाल सकती है ट्रांसप्रियन द्वारा याद कीजिए ट्रांसपीरिएशन ट्रांसपुरेशन याद है ना जब वॉटर क्या होता है एनवायरमेंट में चला जाता है सनलाइट की वजह से धूप की वजह से गर्मी की वजह से दे कैन गेट रेड ऑफ एक्सेस वाटर उसके बाद एक्सेस वाटर है तो ट्रांसफरशन कर देगा वाटर को निकाल देगा वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर इन द लीव वो लीव में भी वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर सकता है डेथ फॉलो जो बाद में गिर जाते हैं वो पत्ते बाद में गिर जाते हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को लीव में भी स्टोर कर सकते हैं जो बाद में गिर जाते हैं अदर वेस्ट प्रोडक्ट और जो वेस्ट प्रोडक्ट है आर स्टोर एज रेजिन

वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रिएट कर देती है इन टू दॉइल सॉइल में भी एक्सक्रिएट कर देती है अराउंड वो कुछ वेस्ट सब्सटेंस को सॉइल में भी एक्सक्रिएट कर देती है निकाल देती है तो अगर आपके पेपर में आता है एक्सक्रिएशन इन प्लांट तो आप कम से कम चार मेथड एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्लांट किस किस तरीकों से कौन कौन से तरीकों से ये वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करती है पहला ये वाटर एक्सेस वाटर का एक्सक्रिएशन करता है ट्रांसपीरेशन द्वारा ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है लीव्स में जो कि गिर जाते हैं यह कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है अपने ओल्ड जाइलम में यह कुछ वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रिएट कर देता है सॉइल के अंदर तो ये चार मेथड आप कम से कम लिख सकते हो एक्सक्रिएशन इन प्लांट में आर्टिफिशियल किडनी आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है तो ज्यादा डिटेल मत मत पढ़ना बट इतना तो पढ़ लेना ना, ना आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है या हिमोलाइडिसिस क्या होता है या सिंपल डायलिसिस क्या होता है एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है टू रिमूव नाइट्रोज वेस्ट जिसके द्वारा नाइट्रोजन वेस्ट को निकाला जाता है प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट को निकाला जाता है मशीन के द्वारा थ्रू डायलिसिस उसे डायलिसिस कहते हैं आपके बुक में डायग्राम दिया है बिल्कुल एंड में ये देख लो मशीन ये इस पूरे मशीन को हीमोडायलिसिस बोला जाता है प्रोसीजर को हीमोडायलिसिस बोला जाता है ये देखिए हेडिंग में हिमोडायलिसिस इस पूरे प्रोसीजर को बोला जाता है मान लीजिए किसी व्यक्ति की ना किडनी खराब है और उसे किडनी नहीं मिल रही है तो वो जाएगा हॉस्पिटल हॉस्पिटल मशीन में उसको कनेक्ट कर देंगे उसकी बॉडी से ब्लड निकाला जाएगा ब्लड इस मशीन में पूरा फिल्टर होगा सारे जो वेस्ट वाले जो ब्लड है वो यहां पे इकट्ठे होंगे और जो अच्छे वाले ब्लड है वो उसको वापस दे दिए जाएंगे तो मशीन के द्वारा इसके ब्लड को फिल्टर करके वापस पहुंचा देना इसको बोलते हैं इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं हीमोडायलिसिस और जो ब्लड जो प्योर ब्लड इसके बॉडी में दाल, डाला जा रहा है और इनप्योर ब्लड नाइट्रोज वाले ब्लड बाहर निकाला जा रहा है इसको बोलते हैं डायलिसिस करवाना ठीक है तो ज्यादा डिटेल नहीं बट इतना तो पढ़ ही लेना कि आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस हीमो क्या होता है तो एक आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होता है जो रिमूव करता है नाइट्रोज वेस्ट को हमारे ब्लड से डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा ठीक है अभी खत्म नहीं हुआ एक मक जाना एक एक चीज और आपको बताऊंगा ये देखिए ये ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ लेना ये ब्लड प्रेशर के बारे में ऐड कर लेना अपने नोट्स के अंदर आप लिख सकते हो ये सिक्सटी थ्री पॉइंट है सिक्सटी टू तो मैंने बता दिया था ब्लड प्रेशर का टॉपिक ऐड कर लेना ब्लड प्रेशर यानी ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर दैट ब्लड एक्सक्रिएट वह फोर्स जो ब्लड लगाता है द वॉल ऑफ द वेसल वेसल के वॉल पर दीवारों पर उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर अभी दो टाइप के होते हैं आपको पता होगा हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर पढ़ा है ना आपने तो यहां पर इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और डिस्टोलिक अभी आप पढ़ेंगे इसमें दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी आर्टरी में ज्यादा प्रेशर होता है वीन्स के कंपेरिजन द प्रेशर ऑफ ब्लड इन साइड द आर्टरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है ड्यूरिंग वेंटिकुलर सिस्टोल उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर यानी आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है आपको याद है ना आर्टरी और वीन आर्टरी याद है जो ब्लड को ले गया था बॉडी में और वीन याद है जो ये आर्टरी था आर्टरी क्या करता है ब्लड को ले जाता है बॉडी में और वीन क्या करता है पूरी बॉडी से ब्लड को वापस लेता है तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के दौरान यानी आर्टरी के में रिलैक्सेशन के दौरान जो प्रेशर होगा उसे बोला जाता है डिस्टोलिक प्रेशर तो दो टाइप के प्रेशर होता है एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डिस्टोलिक प्रेशर इसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर और इसको हम बोलते हैं बच्चों लो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है तो जब आर्टरी एक्सपेंड होती है या कॉन्ट्रास्ट होती है जब आर्टरी कॉन्ट्रास्ट होती है उस समय जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और जब आर्टरी रिलैक्स होती है उस समय जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर एक सौ बस्तीस एक सौ ट्वेंटी एम एम ऑफ एच जी होता है और हमारा डिस्टोलिक प्रेशर एट्टी एमएम ऑफ एच जी होता है यह सिस्टोलिक प्रेशर है हाई ब्लड प्रेशर या डिस्टोलिक प्रेशर है लो ब्लड प्रेशर इसको मापने के लिए डिवाइस आता है इस डिवाइस का नाम आपको स्पेग्नो मैनोमीटर स्पेगमो मैनोमीटर इस डिवाइस को बोलते हैं ब्लड प्रेशर इज मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है जिसको स्पेग्नो मैनोमीटर बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं तो ये आप एक्स्ट्रा कर लेना इसमें पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ब्लड जो प्रेशर लगाता है वेसल के वॉल पर दीवारों पर विच इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर अभी दो होते हैं एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर एक होता है डिस्टोलिक प्रेशर जब हमारा आर्टरी कॉन्ट्रास्ट होता है उस समय जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर साइंस में इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और जब हमारा आर्टरी रिलैक्सेशन में जाता है जब हमारा आर्ट्री रिलैक्सेशन में चला जाता है उस समय जो प्रेशर होता है बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर डिस्ट्रोलिक प्रेशर ये होता है 120 सौ बीस एमएम ये होता है अस्सी एमएम mm. तो नॉर्मल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 80 से 120 के बीच में होना चाहिए इसको मापने के लिए जो डिवाइस आते हैं डिवाइस का नाम है स्पेगमो मैनोमीटर और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर भी बोला जाता है तो यहां पर बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरी कोशिश मैंने करी है कि हंड्रेड चीज आपको ला के ताकि एक वीडियो देखने के बाद आपको फिर कुछ भी पढ़ने की नीड ना हो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें क्योंकि एक ही बात बोलता हूं मैं नॉलेज को जितना शेयर करोगे वो नॉलेज आपका उतना ही इंक्रीज करेगा जय हिंद अपना ध्यान रखिए।